जय सिंह बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। फिर वो भी सभी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए बोले, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग कुछ समय के लिए सभी बच्चों को अपनी रायपुर वाली हवेली घूमने के लिए भेज दें, फिर उनके वापस आने के कुछ समय बाद इनकी शादी कर देंगे। ऐसे तो बच्चे हर वक्त काम में बिजी रहते हैं, कम से कम कुछ वक्त के लिए शांति से अपनी जिंदगी जी तो सकेंगे। जय बेशक बहुत कम बोलते थे, मगर जो भी बात कहते थे वो 100 आना सही होती थी। वहाँ मौजूद सभी को उनकी बात बहुत अच्छी लगी और सभी उन लोगों को भेजने के लिए तैयार हो गए। अब जब सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे तो हमारी अदिति कहाँ पीछे रहने वाली थी, और त्रियम भी उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देख रहा था। अदिति कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती थी लेकिन फिर वापस बंद कर लेती थी। फाइनली सबके शांत हो जाने के बाद अदिति भी सबकी ओर देखते हुए बोली, अंकल आंटी पापा, क्या मैं अपने साथ अपनी दोस्त जूली को भी ले जा सकती हूँ? उसने ये सवाल इतनी मासूमियत से पूछा था कि त्रियम का दिल कर रहा था कि वो उसको अपनी बाहों में उठाकर जी भरकर प्यार करे। मगर अभी तो शायद अदिति उससे नाराज थी, इसीलिए वो त्रियम को इग्नोर कर रही थी, जिससे त्रियम को काफी चिढ़ मच रही थी। फिर वो वहां से उठा और जाकर रिसोर्ट के मैनेजर को कुछ समझाया और अपने रूम में चला गया। बाकी सब अदिति की बातों पर हामी भरकर अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन अदिति रिसोर्ट के बाहर जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू कर जा रही थी, जिससे उसकी आधी थकावट दूर हो गई थी। करीब 1 घंटे तक वो वहीं खड़ी रही, फिर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अदिति कॉरिडोर से होते हुए जा ही रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट के अंदर खींच लिया। अदिति इस अचानक हुई हरकत के लिए तैयार नहीं थी, मगर तभी उसके कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी जो उसके शरीर में सिहरन पैदा करने के लिए काफी थी। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि दिल करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। उस आवाज को सुनकर अदिति समझ गई कि ये हरकत कौन कर सकता है। उसने तुरंत अपना सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो पाया उसके सामने त्रियम खड़ा था और उसे ही बड़े प्यार से निहार रहा था। पता नहीं क्यों अदिति की धड़कनें त्रियम के ऐसे देखने से ही बढ़ गई, मगर उसका अभी भी त्रियम को माफ करने का कोई इरादा नहीं था। अदिति उससे दूर हटकर चुपचाप एक कोने में मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। उसको खुद से दूर जाता देख त्रियम ने एक लंबी सांस ली और एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ गया। त्रियम शायद अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को मनाने के लिए इतनी जहमत उठा रहा था। त्रियम उसके पास जाकर उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसकी तरफ एक बार फिर से देखने लगा। अदिति को बड़ा मजा आ रहा था त्रियम को परेशान करने में। वो ये सोच कर ही गुप्पा हो रही थी कि उसका डेविल उसे इस तरह से कभी मनाएगा भी। लेकिन अदिति फिर से झूठी नाराजगी जताते हुए त्रियम के हाथों को अपनी कमर से हटाकर उसको खुद से दूर करने लगी। अदिति की इस हरकत से अब त्रियम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अदिति के दोनों हाथों को लिफ्ट के सहारे ऊपर पकड़कर उसके होठों के बहुत पास जाकर अपने दांत पीसते हुए बोला, ऐसे तो पूरा दिन चपड़ चपड़ करती रहती हो, अब जब तुम्हें कुछ बोलना चाहिए तो मुंह में दही जमा लिया है क्या? त्रियम को अपने होठों के करीब आते देख अदिति ने अपना मुंह फेर लिया और फिर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, ओह तो अब तुम चाहते हो कि मैं कुछ बोलूं? क्या बोलूं हाँ, किस हक से बोलूं? जाओ तुम अपनी उस सो कॉल मंगेतर के पास, बड़ा लवी डवी होके डांस कर रहे थे ना, जाओ अब। मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तो तुम मुझसे ऐसे दूर भागते हो जैसे मुझ में कांटे लगे हैं और उस जोया के शरीर के हर एक पार्ट का साइज नापने में जुटे थे, तो जाओ ना उसके पास, मेरे पास आने की जरूरत क्या है? फिर त्रियम को खुद से दूर करते हुए बोली, जाओ ना, हटो मेरे सामने से। त्रियम उसके नॉनस्टॉप बोलने से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे हमेशा से ही कम बोलने वाले लोग पसंद थे, जैसा वो खुद था बिल्कुल वैसे ही। मगर अदिति उसकी सोच के बिल्कुल उलट थी। अब त्रियम को रियलाइज हो रहा था कि जाने अनजाने
उसने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार ली थी। उसे अदिति को कुछ बोलने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। ये सोचकर वो मन ही मन पछता रहा था। फिर उसने अदिति को चुप कराने के लिए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। त्रियम की इस हरकत से अदिति अपनी जगह जम सी गई। हालांकि जब से वो लिफ्ट के अंदर आई थी तब से उसका मन त्रियम के होठों पर एक जोरदार पप्पी देने का कर रहा था, मगर वो उससे नाराज थी और उसको किस करके इतनी जल्दी अपने हथियार नहीं डाल सकती थी। लेकिन त्रियम के किस करने पर उसके मन में तोते उड़ने लगे और फिर अदिति भी उसको किस करने लगी। अब दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही शिद्दत से चूमे जा रहे थे। तभी अचानक से लिफ्ट खुल गई। वहीं दूसरी ओर रणविजय जी वॉक करने के बाद अपने कमरे में जाने के लिए लिफ्ट के खुलने का इंतजार कर रहे थे। तभी लिफ्ट खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अदिति और त्रियम इस वक्त आपत्तिजनक अवस्था में थे। बेचारे रणविजय जी तो दोनों को ऐसे देखकर जैसे सांसें लेना ही भूल गए हों। इधर अदिति अभी भी त्रियम की नज़दीकियों में खोई हुई थी। फिर लिफ्ट खुलते ही जब उसकी नज़र रणविजय जी पर पड़ी तब तो उसकी ऐसी हालत हो गई कि मानो काटो तो खून नहीं। वो तुरंत ही त्रियम से अलग हो गई। अदिति की यूं अचानक अलग होने पर त्रियम को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट के बाहर खड़े रणविजय जी को देखा तो अब उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। फिर त्रियम और अदिति दोनों के मुंह से सदमे की हालत में एक साथ निकला, पापा तो बैंड बजाएंगे। रणविजय जी ने जब अपने सामने का नजारा देखा तो उन्हें काफी ऑकवर्ड फील होने लगा। वो अपनी बेटी को अपने विरोधी त्रियम के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए नॉर्मल बिहेव करते हुए अदिति से बोले, बेटा तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो, चलो जल्दी से अपने कमरे में जाओ। फिर वो त्रियम की तरफ घूरते हुए अदिति से बोले, बेटा इतनी रात गए, तुम्हें किसी अनजान आदमी के साथ लिफ्ट में नहीं होना चाहिए। और फिर आजकल के लड़कों का भी कोई भरोसा नहीं है कि कब उनकी नीयत बदल जाए। उनकी बात सुनकर त्रियम समझ गया कि वो उसी को टोंट मार रहे थे, मगर वो भी अदिति के सामने उनको कोई जवाब नहीं देना चाहता था, वरना क्या पता अदिति उससे और भी ज्यादा नाराज हो जाए। और वैसे भी लड़कियां पापा की परी होती है, ये सोचकर वो बिल्कुल शांत ही रहा। तभी रणविजय जी अदिति की तरफ घूरने लगे, जो कि त्रियम के पास ही खड़ी थी। उन्होंने तुरंत ही अदिति को खींचकर अपने पास कर लिया और फिर उससे पूछते हुए बोले, बेटा तुम इतनी रात गए इस लड़के के साथ क्या कर रही हो। अदिति त्रियम से तो पहले ही नाराज थी, वो अभी तक जोया वाली बात को भुला नहीं पा रही थी, और अब रणविजय जी के बिहेवियर से इतना तो समझ गई कि उसके पापा त्रियम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये सोचते ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने पापा से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी उसे अपने ऊपर किसी की खा जाने वाली नजरें महसूस हुई। जब अदिति ने इधर उधर देखा तो पाया त्रियम ही उसे वार्निंग भरे लुक में घूर रहा था, जैसे मानो कह रहा हो, अगर तुमने अपने पापा को कुछ भी बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अदिति ने त्रियम को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और फिर बहुत ही ज्यादा मासूम सी शक्ल बनाते हुए रणविजय जी से बोली, पापा मैं तो खुद आपकी ही तरह छत पर टहलने जा रही थी, मगर इस आदमी ने मुझे लिफ्ट में खींच लिया और फिर। अदिति आगे कुछ बोलती कि तभी उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई, क्योंकि त्रियम ने उसका मुंह बंद कर दिया था। रणविजय जी तुरंत ही आगे की बात समझ गए और उन्होंने अदिति को उसके रूम में भेज दिया। फिर वो त्रियम को घूरते हुए बोले, तुम मेरी बेटी से दूर रहना, अगर तुम उसके आसपास भी दिखाई दिए ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर रणविजय जी वहां से चले गए और त्रियम उनको पीछे से घूरने लगा। अगर रणविजय जी अदिति के पापा ना होते तो त्रियम उनके सीने में 6 की 6 गोलियां उतार चुका होता। रणविजय जी के जाने के बाद त्रियम ऊपर रिसोर्ट की छत पर गया तो उसने देखा कि पूरी छत बहुत ही अच्छे से डेकोरेट की गई थी। वहां गुलाब के फूलों से एक बड़ा सा सॉरी लिखा हुआ था और उसकी आउटलाइन को हाईलाइट करने के लिए वहां पर छोटे छोटे दिए जलाकर रखे गए थे,
जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उस छत के बीचों बीच एक टेंट हाउस बना हुआ था, जिसके बीच में हैंडमेड झूमर लगा हुआ था, जिसके अंदर से गोल्डन कलर की रोशनी बाहर निकल रही थी। उस टेंट के नीचे एक टेबल अरेंज की गई थी, जिस पर ढेर सारे गोलगप्पे रखे हुए थे। गोलगप्पे लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए त्रियम ने स्पेशल अदिति को मनाने के लिए इसका अरेंजमेंट किया था, मगर उसके सारे प्लान पर रणविजय जी ने पानी फेर दिया था। त्रियम को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में खुद से ही बात करते हुए मन में बोला, इस लड़की की हिम्मत तो देखो जरा, बाप के आते ही सीधा पार्टी बदल ली। मुझे तो लगता है इसका बाप मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। जलता है साला, नहीं नहीं ससुरा, जलता है मुझसे, क्योंकि इसकी बेटी इससे ज्यादा मुझसे जो प्यार करती है। एक सेकंड, अगर मुझसे प्यार करती तो वो इतनी जल्दी पार्टी नहीं बदल लेती। जाने दो, देखना अब मैं भी उसे नहीं मनाऊंगा। आई बड़ी, ये सब सोचते हुए वो वापस मुड़ गया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन वो इस तरह से अपनी मेहनत बेकार नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने पापा को कॉल करके बोला, डैड आपके लिए मैंने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स की है, तो प्लीज़ आप मॉम को लेकर ऊपर टेरेस पर चले जाइएगा। इससे आप मॉम को सरप्राइज भी दे देंगे और मॉम भी बहुत खुश हो जाएगी। त्रियम की बात सुनकर दादा को तो जैसे शौक ही लग गया कि आखिर आज इस लड़के को हुआ क्या है, आज तक तो कभी इसने ये सब नहीं किया, फिर अचानक। ये सोचते ही दादा शक भरे लहजे में बोले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अरेंजमेंट तुमने हमारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए किए हैं, और जब वो नहीं आई तो तुम्हारे अरेंजमेंट्स बेकार ना जाए इसीलिए तुम हमें चिपका रहे हो, जो मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ही कुछ तो नहीं। क्या आदित्य अब त्रियम को माफ करेगी? क्या रणविजय उन दोनों को अलग करने में सफल होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दादा शक भरे लहजे में बोले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अरेंजमेंट्स तुमने हमारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए करवाए हैं, और जब वो नहीं आई तो तुम्हारे अरेंजमेंट्स बेकार ना जाए इसलिए तुम हमें चिपका रहे हो, जो मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ही कुछ तो नहीं। दादा की बात सुनकर त्रियम सकपका गया, उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। दादा भी उसके बाप थे, वो जानते थे कि उनका बेटा कितने पानी में है। उन्होंने जाने अनजाने में ही सही मगर तुक्का बिल्कुल सही मारा था। फिर त्रियम अपने आप को नॉर्मल करके झूठी नाराजगी जताते हुए बोला, डैड क्या आप भी? एक तो मैंने इतने प्यार से ये सारी अरेंजमेंट्स करवाई हैं और आप हैं कि बात की खाल निकाल रहे हैं। रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ जाने की, मैं अभी मैनेजर से कहकर वो सारा बवाल हटवाता हूँ। बेटे के प्यार की तो कोई कदर ही नहीं है। उसकी बात सुनकर दादा को डबल शॉक लगा, क्योंकि उनका बेटा जो मुश्किल से सिर्फ दो चार शब्द बोलकर बात खत्म कर देता था, आज वो इतना कुछ बोल गया था जैसे निबंध पढ़ रहा हो। पक्का कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये सोचकर दादा उसको मना करते हुए बोले, ठीक है जब मेरे बेटे ने इतने प्यार से सब किया है तो हम भी उसे वेस्ट नहीं जाने देंगे। इतना कहकर दादा ने फोन काट दिया और प्रिया को आवाज लगाते हुए बोले, प्रिया डार्लिंग चलो तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। इधर अदिति जब अपने कमरे में आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा रूम इस तरह से सजा हुआ था मानो आज उसकी सुहागरात हो। तभी अदिति को दूसरा शौक लगा, जब बाथरूम का दरवाजा खुला और वहां खड़े शख्स को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वॉशरूम में विनायक तौलिए से अपने बाल सुखा रहे थे। उन्होंने अपनी अपर बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था। उनके चौड़े और टाइट मसल्स उनको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। अदिति आगे बढ़कर कुछ बोलती उससे पहले किसी ने उसका कंधा थपथपाया। वो जब पीछे मुड़ी तो देखा एक वेटर उसी की ओर देख रहा था, और फिर अदिति की तरफ से कोई जवाब ना आने पर वो वेटर बोला, इज देयर एनी प्रॉब्लम मैम? दरअसल रिसॉर्ट के कुछ स्टाफ मेंबर रात में सभी जगह का सर्वे कर रहे थे। एक वेटर ने जब अदिति को यूं काफी देर से दरवाजे के पास खड़े देखा
तो उसे लगा कि कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। यही सोचकर वो अदिति के पास आया और उसको बुलाने लगा, मगर अदिति पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई थी, उसे वेटर की आवाज सुनाई ही नहीं दी। जब वेटर के सब्र ने जवाब दे दिया तो मजबूरन उसे अदिति के कंधे पर हाथ रखकर उसको बुलाना पड़ा। उस वेटर के हाथ रखते ही अदिति उसकी तरफ मुड़ी और उसको सवालिया निगाहों से ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। वो वेटर अदिति के यूं इस तरह से देखने पर थोड़ा असहज हो गया, मगर फिर खुद को संभालते हुए बोला, इज देयर एनी प्रॉब्लम मैम? अदिति उस वेटर को जवाब देते हुए बोली, नो नो थैंक यू। फिर वो वेटर श्योर मैम कहकर वहां से दूसरी तरफ चला गया। उसके जाने के बाद अदिति जैसे ही मुड़ी तो हैरान रह गई, क्योंकि उसका कमरा बिल्कुल क्लीन था। वहां जो थोड़ी देर पहले डेकोरेशन थी वह अब गायब हो चुकी थी। अब ना उस कमरे में विनायक थे और ना ही कोई फूल पत्ती। ये देखकर वो समझ गई कि अभी जो थोड़ी देर पहले उसने देखा वो बस एक सपना था। ये सोचकर उसने राहत की सांस ली और अपने दिमाग की उथल पुथल को शांत करने के लिए सबसे पहले बाथरूम में जाकर शावर लिया। कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आकर अदिति बेड पर लेटते हुए भगवान से बोली, ए भगवान, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? प्लीज मुझे उस खलनायक से बचा कर रखना, फिर पक्का आपको लड्डू खिलाऊंगी। अरे मैं तो कहती हूँ आपके पूरे परिवार को खिलाऊंगी। लीजिए भगवान जी, अब तो मैंने क्वांटिटी भी बढ़ा दी, प्लीज मेरी दुआ कबूल कर लीजिए। इतना कहकर वो सोने की कोशिश करने लगी। काफी देर उलट पलट करने के बाद भी उसको जब नींद नहीं आई तो उसने सोचा क्यों ना वो अपने हॉटी से बात करके उसको परेशान करे। रात के 1 बजे अदिति ने त्रियम का नंबर डायल कर दिया और खुद बेड पर आड़ी टेढ़ी होकर लेट गई। पहली बार जब त्रियम ने फोन नहीं उठाया तो उसने दूसरी बार कॉल किया, मगर फिर भी त्रियम ने उसकी कॉल नहीं उठाई। ये देखकर अदिति भी अब जोश में आ गई और उसे बार बार कॉल करने लगी और 4थी या 5वीं बार में कॉल उठ गई। इधर त्रियम बाथरूम से शावर लेकर बेड पर लेटने ही वाला था तभी उसने देखा कि उसके मोबाइल पर चुंबन देवी नाम फ्लैश हो रहा है। ये देखकर वो फोन उठाने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि अदिति ने कैसे अपने बाप के सामने पार्टी बदल ली थी। ये सोचते ही उसने अपना मोबाइल बेड पर फेंक दिया और सिगरेट निकालकर बालकनी में खड़े होकर पीने लगा, मगर फोन की रिंगटोन बार बार बजे ही जा रही थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया था। उसने गुस्से में अपनी सिगरेट बालकनी से बाहर फेंकी और झुंझलाकर फोन उठाते हुए अदिति से रूडली बोला, क्या है, इतनी रात में भी तुम्हें चैन नहीं है? उसकी आवाज सुनकर अदिति समझ गई कि त्रियम उससे काफी ज्यादा नाराज है। ये सोचकर अदिति उससे फ्लर्ट करते हुए आहें भरकर बोली, हाय, जिसका सुकून ही तुम्हारे जैसा हैंडसम और हॉट हो, उसे भला कैसे चैन मिल सकता है? त्रियम भी काफी मंजा हुआ खिलाड़ी था। वो अदिति की ठरकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोला, आधी रात को फोन करने की वजह? अदिति चिढ़ते हुए बोली, वो तो बस मैंने तुम्हारा हालचाल जानने के लिए फोन किया था, मगर मुझे क्या पता था तुम्हारे मुंह से मीठी प्यार भरी बातें सुनने के बजाय आग के अंगारे सुनने को मिलेंगे, वरना मैं तो फोन ही ना करती। हाँ, अदिति की बात सुनकर त्रियम बेड पर लेटकर उसको चिढ़ाते हुए बोला, ओह सच में, अगर मेरे मुंह से अंगारे बरसते हैं तो फिर जाओ अपने फियांसे से बात करो जाकर, मुझसे क्यों बात कर रही हो? त्रियम की बात सुनकर अदिति का मुंह बन गया, लेकिन अदिति भी कम नहीं थी। वो भी त्रियम को टीज करते हुए कुछ सोचने का नाटक करके बोली, हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो, एक्चुअली मुझे ना तुम्हें फोन करने के बजाय अपने होने वाले हस्बैंड से ही बात कर लेनी चाहिए थी, वो तो वैसे भी किसी जमाने में मेरे क्रश थे। तुम्हें पता है जब वो पहली पहली बार कॉलेज आए थे तो मैं तो उन्हें देखकर पागल ही हो गई। इनफैक्ट मैं क्या, पूरे कॉलेज की लड़कियां उन पर अपना दिल हार बैठी थी, कई लड़कियों ने तो सिर्फ उन्हें ताड़ने के लिए मैथ्स ले लिया था। अदिति की बात सुनकर त्रियम की भौएं तन गई। वो अपने मन में बोला, ए भगवान, इस लड़की ने किसी को भी नहीं छोड़ा।
अदिति उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान लाते हुए बोली, और तो और मैंने भी उन्हें पहली बार देखते ही अपने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। मैंने तो सोच लिया था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तो उन्हीं से शादी करूंगी। ये सुनकर त्रियम की उंगलियां अपने मोबाइल पर गुस्से से कस गई। उसे वाकई इस वक्त अदिति के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो इस बेवकूफ लड़की से प्यार ना करता तो पक्का अब तक उसे और उसके बाप को अपने हाथों से गोली मार चुका होता। त्रियम से जब उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो वो अदिति को धमकाते हुए बोला, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो अभी इसी वक्त अपना ये क्रश पुराण जपना बंद करो। और क्या कहा तुमने, बच्चे? तो तुम अपने कानों का ढक्कन खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों की माँ बनोगी, समझी? बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना ऐसा बदला लूंगा ना सारी सारी रात सोने नहीं दूंगा। प्रियम की खोखली धमकियों का अदिति पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ, उल्टा उसे तो मजा आ रहा था। फिर अदिति उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, उफ, मैं तो कब से उन रातों का इंतजार कर रही हूँ जब तुम मुझे सारी रात सोने नहीं दोगे। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको नहीं सोने देगा। उसकी बात सुनकर त्रियम के कानों से धुआं निकलने लगा। वाकई ये लड़की तो हद से ज्यादा बेशरम थी। कहां उसने सोचा था कि वो ऐसी बातें करके अदिति का मुंह बंद करवा देगा, मगर यहाँ तो अदिति ने ही उसका मुंह बंद करवा दिया था। प्रियम जहाँ शेर था तो वहीं अदिति सवा शेर थी। वो एक बिंदास लड़की थी, उसके मुंह में जो आता था वो बस बोल देती थी, उसे सिर्फ अपनी बात कहने से मतलब था, बाकी सामने वाला उसकी बात सुनकर क्या सोचता इससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था। अदिति की बात सुनकर प्रियम उसको समझाते हुए बोला, तुम कभी लड़कियों वाली हरकतें भी कर लिया करो, जब सामने वाला बेशर्मी भरी बातें कर रहा हो तो उसके बदले में उसे जवाब देने की बजाय थोड़ा शर्मा भी लिया करो, लड़की लगोगी। अदिति उसकी बातों को टोटली इग्नोर करते हुए बोली, अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरे बाबू ने थाना थाया? फिर अदिति खुद से ही जवाब देते हुए बोली, एक सेकंड, तुम तो माफिया हो ना, तो फिर माफिया लोग आधी रात में खाना कहाँ खाते हैं? त्रियम अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, ओह अच्छा, तो माफिया लोग क्या खाते हैं आधी रात में? अदिति कॉन्फिडेंटली जवाब देते हुए बोली, माफिया लोग तो आधी रात में गांजा चरस ये सब लेते हैं ना। उसकी बात सुनकर त्रियम को खांसी आ गई। वो सोचने लगा कि आखिर इस लड़की के दिमाग में इतनी उलझलूल बातें आती कहाँ से है। तभी उसके कानों में अदिति की फिर से आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर उसका मन हुआ कि वो दीवार पर अपना सिर फोड़ ले। अदिति कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देती थी, फिर उसकी बात सुनकर सामने वाला क्या सोचेगा इससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था। त्रियम की तरफ से कोई जवाब ना पाकर अदिति एक बार फिर से बोली, बाबू कॉफी में दो बूंद ड्रग्स डाल लो, नींद आ जाएगी। अच्छा आप बताओ, ड्रग्स लिया मिले बाबू ने? अदिति की बात सुनकर त्रियम को लगा कि कहीं वो पागल ना हो जाए। आज उसे अपनी ही किस्मत पर तरस आ रहा था कि दुनिया जहान की लड़कियों को छोड़कर उसे बस इसी विचित्र लड़की के प्रेम प्रसंग में पड़ना था। फिर भी वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम क्या पिछले जन्म में वैम्पायर वगैरह थी क्या? उसकी बात सुनकर अदिति कुछ ना समझ पाने की स्थिति में बोली, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं पिछले जन्म में वैम्पायर थी? उसका सवाल सुनकर त्रियम डेविल स्माइल करते हुए बोला, वो इसीलिए क्योंकि तुम हर वक्त मेरा खून जो पीती रहती हो। उसकी बात सुनकर अदिति का भी पारा हाई हो गया। फिर वो गुस्से से त्रियम का कई नामों से नामकरण करते हुए बोली, तुम बदबूदार जुराबों के कटे फटे अंगूठे, साबुन की घिसी हुई बट्टी, पीपरे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसी खूबसूरत हसीन और जवान लड़की को खून पीने वाली चुड़ैल कहने की? अदिति की बात सुनकर त्रियम बोला, पहली बात तो ये कि तुम्हारी लैंग्वेज कितनी चीप क्लास की है, मुझे तुम्हारी कुछ भाषा समझ आई और कुछ नहीं, और दूसरी बात ये कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ वैम्पायर कहा, अब जब तुम ही खुद को खून पीने वाली चुड़ैल कह रही हो तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब तुम तो अपने आप को मुझसे बेहतर ही जानती होगी।
उसकी बात सुनकर अदिति उसको बहुत कुछ सुनाने वाली थी, लेकिन तभी त्रियम ने फोन काट दिया। अब अदिति फोन को घूर रही थी। अगर उसके पास फोन की जगह त्रियम होता तो वो अब तक उसका कचूमर बना चुकी होती। कहीं अदिति का इल्यूजन सच तो नहीं हो जाएगा और उसकी शादी विनायक से हो जाएगी? अदिति से शादी करने के लिए क्या करेगा त्रियम? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अदिति फोन को घूरते हुए बोली, शुक्र मनाओ मिस्टर डेविल कि तुम मेरे सामने नहीं हो, वरना अभी तक तो तुम मेरी प्यारी मछलियों का खाना बन चुके होते। हाँ, होंगे माफिया तुम अपने घर के। मैंने भी कोई गुल्ली डंडा नहीं खेला है, बस एक बार तुमसे शादी हो जाए फिर देखना, तुम्हें सुधार ना दिया तो कहना। इतना कहकर वो फोन को एक साइड रखकर सो गई। इधर त्रियम फोन काटकर अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। फिर वो फोन को देखते हुए खुद से ही बोला, मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत गुस्से में होगी। हाय, काश मैं वहां होता तो तुम्हारी गुस्से से फूली हुई नाक को देख पाता। कार्टून लग रही होगी पूरी। इतना कहकर वो स्माइल करते हुए करवट बदल कर लेट गया। इधर अदिति त्रियम के साथ अपनी वेडिंग नाइट को इमेजिन कर रही थी। वो अपनी आंखें बंद किए बस उस रात के सपने संजो रही थी। अचानक से उसने देखा कि उसकी शादी हो चुकी है और वो लाल रंग के लहंगे में घूंघट करके त्रियम के बेड पर बैठी हुई है। तभी दरवाजा खुला और उसे कमरे के अंदर किसी के कदमों के चलने की आहट महसूस हुई। ऐसा महसूस होते ही उसके दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। फिर वो शख्स अदिति के जस्ट सामने आकर बैठ गया। अदिति को लगा कि उसके सामने बैठा शख्स त्रियम है। फिर उस शख्स ने अदिति के घूंघट को ऊपर किया। घूंघट ऊपर होते ही उसने जब अपने सामने देखा तो उसका दिल धक धक से रह गया। कहाँ वो बेचारी अपने सामने त्रियम को इमेजिन कर रही थी, मगर यहाँ का तो नज़ारा ही कुछ और था। अदिति के सामने और कोई नहीं बल्कि विनायक बैठे थे। ये देखकर अदिति को तो सदमा लग गया। फिर वो चौंकते हुए बोली, सर आप यहाँ? तभी विनायक अदिति के होठों पर उंगली रखकर उसको चुप करवाते हुए बोले, कुछ मत कहो। विनायक की इस हरकत से अदिति तो मानो बेहोश ही होने वाली थी। तभी विनायक उसकी आंखों में देखते हुए उससे बहुत ही सर्द आवाज में बोले, मैं तुम्हारी मुंह दिखाई के बदले तोहफा लाया हूँ। ये शब्द ऐसे थे जिसको सुनकर हर लड़की खुशी से चहकने लगती है। अदिति बोली, हैं सच्ची? विनायक हाँ में गर्दन हिलाकर बोले, मुच्ची। फिर अदिति जल्दी से उसके सामने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, तो फिर जल्दी दीजिए ना। अदिति ने सोचा उसकी फर्स्ट नाइट पर शायद बहुत ही अच्छा तोहफा मिलेगा। ये सोचकर वो अपनी आंखें बंद करके बोली, लीजिए, मैंने तो अब अपनी आंखें भी बंद कर ली, अब प्लीज जल्दी दे दीजिए, मुझे सब्र नहीं हो रहा। उसकी बात सुनकर विनायक ने अपना लाया हुआ तोहफा उसके हाथों में रख दिया। तोहफा रखते ही अदिति को कुछ कागज जैसा महसूस हुआ। उसे लगा शायद हो सकता है कि कहीं का कोई बंगलो या फिर रिसोर्ट उसके नाम कर दिया हो और ये उसी के पेपर्स हो, या फिर ये शायद उसके हनीमून की टिकट्स हो। ये सोचते ही उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलकर जब उसने अपने हाथ में रखी उस चीज को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि उसके हाथ में और कुछ नहीं बल्कि मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर थे, जिनके शायद एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा थे। अदिति अपने हाथ में रखे उस पेपर को ऐसे घूर रही थी जैसे कि मानो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने खड़ा हो। मैथ्स ही अदिति की सबसे बड़ी दुश्मन थी, जिससे बचने के लिए वो हफ्तों तक कॉलेज नहीं जाती थी। ये देखकर वो चिड़न भरी नजरों से विनायक को घूरते हुए बड़े ही अजीब तरीके से बोली, क्या है ये? वेडिंग नाइट पर इस तरह का गिफ्ट कौन देता है? अदिति की बात सुनकर विनायक बोले, अरे अगर तुम इन सवालों की प्रैक्टिस कर लोगी ना तो तुम पक्का पास हो जाओगी। अब चलो जल्दी से इनको सॉल्व करो और जिनमें डाउट हो वो मुझसे क्लियर कर लो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपनी बीवी को पास करवाऊं। विनायक की दिल दहला देने वाली बातें सुनकर अदिति बेड के पीछे सरकने लगी।
ताकि मौका देखकर वो इन सवालों से बचकर भाग जाए। भला अपनी ही वेडिंग नाइट में मैच कौन लगवाता है? ये सोचते ही अदिति को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसको पीछे जाते देखकर विनायक तुरंत उसका पैर पकड़कर उसको नीचे की ओर घसीटने लगे ताकि अदिति उनसे बचकर भाग ना सके। तभी अदिति ने उन्हें एक जोरदार लात खींचकर मारी और उठकर बैठ गई। प्रेजेंट, अदिति घबराते हुए अपने आसपास देखने लगी तो उसको सब नॉर्मल लगा। जब उसने अपने आप को अपने रूम में देखा तब जाकर उसको थोड़ा चैन मिला। बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी जिससे साफ पता चल रहा था कि सुबह हो चुकी है और उसने जो कुछ भी देखा वो बस एक सपना था। वो अपनी बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल करने के लिए अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। फिर वो भगवान से हाथ जोड़कर उनको अपने मन में याद करते हुए खुद से ही बोली, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि एक सपना था, वरना मेरा क्या होता। ये सोचकर ही उसकी रूह कांपने लगी थी तभी किसी के करहाने की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। जब अदिति ने उस तरफ देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वो दौड़ते हुए उस तरफ भाग गई। जब उसने इधर उधर देखा तो पाया उसकी बेस्ट फ्रेंड जूली सोफे के नीचे पड़ी दर्द से कराह रही थी। जूली को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और वो दौड़ते हुए उसके पास जाकर बोली, अरे जूली तुम, लेकिन तुम यहाँ इस कोने में क्यों पड़ी हो, सोफे पर बैठ जाती। अदिति की बात सुनकर जूली दर्द से कराहते हुए बोली, ए पागल औरत, तेरी लात से मैं बेड से सीधा इधर पहुंची हूँ, मैं कोई खुशी से इधर नहीं आई, चल अब उठा मुझे। जूली की बात सुनकर अदिति को ख्याल आया कि जूली जमीन पर गिरी पड़ी है और उसे उठाना भी है। ये सोचकर वो जल्दी से उसको उठाने लगी, लेकिन उसकी लात इतनी जोर से पड़ी थी कि जूली को दर्द हो रहा था। अदिति के हड़बड़ी में उसको उठाने से जूली की आह निकल गई और वो अदिति को घूरते हुए बोली, अबे यार आराम से उठाना। फिर जूली अदिति को परेशान करने के लिए नौटंकी करते हुए बोली, मार डाला, ओ, मार डाला, हाय मार डाला। अदिति ने उसको बेड पर उल्टा लिटा दिया और उसकी कमर में बाम लगाते हुए बोली, ये बता तू इतनी सुबह सुबह इधर क्या कर रही है। जूली तो भूल ही गई थी कि वो यहाँ किस लिए आई थी। अदिति के पूछने पर उसे याद आया और वो गुस्से से अदिति को तकिया मारते हुए बोली, कमीनी, एक तो एंगेजमेंट कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं, और जब मैं यहाँ आई हूँ तो तू मुझसे पूछ रही है कि मैं इधर क्या कर रही हूँ। अदिति उसके वार से बचते हुए बोली, यार रुक जाना, बता रही हूँ, सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि तुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। जूली अदिति के ऊपर गुस्से से बिफरते हुए बोली, वाह वाह, सब कुछ अचानक हो गया, अच्छा क्या मस्त जोक मारा है, ग्रेट, जब बच्चा हो जाता तब भी तू यही कहती, अरे ये तो अचानक से हो गया है। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर अदिति जल्दी से उसको अपने गले लगाकर उसको चुप करवाते हुए बोली, यार तू रो क्यों रही है, मार ले, पीट भी ले, लेकिन ये मोटे मोटे आंसू मत बहा। फिर वो जूली से अलग होकर उसके आंसुओं को साफ करके अपने कान पकड़कर उससे माफी मांगते हुए बोली, यार सॉरी, प्लीज माफ कर देना। अदिति को इस तरह से रिएक्ट करते देखकर जूली को उसके ऊपर तरस आ गया और वो फिर से उसके गले लगकर बोली, चल छोड़ दिया, तू भी क्या याद रखेगी, मेरी एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है, उसको अगर माफ ना किया तो मेरे बच्चे तक ना होने देगी, वो इतना कोसेगी। जूली की बात सुनकर अदिति उसकी पीठ पर मारने लगी। ये देखकर फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी जूली अपने मोटे फ्रेम का चश्मा ठीक करते हुए बोली, यार तुझे एक बात बतानी थी, तुझे पता है जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक लड़का देखा, यार कसम से क्या मस्त दिख रहा था वो। फिर जूली अपने विचार अदिति के सामने रखते हुए बोली, यार क्या बताऊं, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं हमेशा के लिए इसी रिसोर्ट में रुक जाऊं,
कसम से चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती। तुझे पता है, जस्ट अभी अभी मैंने एक लड़का देखा था यार, एकदम बवाल। लेकिन एक दिक्कत है, मैं उस बंदे का थोपड़ा नहीं देख पाई, बस बैक से ही देखी थी। उसकी बातें सुनकर अदिति के अंदर का भी ठरकी शैतान जाग चुका था। वो गौर से जूली की बात सुनने लगी और फिर अपने हिसाब से उस लड़के को अपने मन में इमेजिन करने लगी। जूली अपने विचार अदिति के सामने रखते हुए बोली, मगर जरा सोचो यार, जब वो बंदा पीछे से इतना जहर लग रहा था, अगर मैं उसे सामने से देखती तो भाई गॉड, बेहोश हो जाना था मैंने। वो बिल्कुल किसी ताजमहल की तरह लग रहा था। अब ये नहीं पता कि उस एक ताजमहल के अंदर कितनी मुमताजें दफन होगी, लेकिन कुछ भी कहो यार, खूबसूरती और मस्त फिगर का मिसाल था वो। अब अदिति और जूली दोनों ही उस लड़के को अपने मन में इमेजिन करते हुए अपनी लार टपका रही थी। जिन लोगों को लगता था कि जूली एक नंबर की शरीफ और सीधी सादी है, तो ये उनकी गलत फहमी थी। जूली भी अदिति की डिट्टो कॉपी थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि जूली को पढ़ना बहुत पसंद था और मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, तो वहीं अदिति को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में मैडम 3 साल से फेल होती आ रही हैं। अदिति का मैथ्स लेने का एकमात्र रीजन है जूली को मैथ्स पसंद होना, और अदिति जूली का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे तो बस किसी तरह जूली के साथ रहना था, इसीलिए उसने मैथ्स जैसे दुश्मन को सिर्फ जूली के लिए हंसी खुशी गले लगा लिया। इसी से पता चलता है कि दोनों में कितना प्यार था। जूली की बात सुनकर अदिति को बस त्रियम का फिगर नजर आ रहा था और वह अपने और त्रियम के ही ख्यालों में खोई हुई थी। जब अदिति की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो जूली उसकी तरफ देखने लगी, जो कि शायद प्रियम को याद करके मुस्कुरा रही थी। ये देखकर जूली उसको धक्का मारकर चिढ़ाते हुए बोली, ओए होए, जीजा जी के ख्यालों में खोई हो, है ना? तभी तो बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। हे, क्या बात है, हमें भी बताइए जरा। उसके मुंह से जब अदिति ने जीजा जी सुना, तो उसको विनायक सर का चेहरा याद आने लगा। उनको सोचते ही अदिति के चेहरे की सारी मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। अब उसकी जगह उदासी ने ले ली। जब जूली ने उसको यूं उदास देखा, तो उससे रहा नहीं गया और फिर वो अदिति से पूछते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? जूली का सवाल सुनकर अदिति ने अपनी किडनैपिंग से लेकर एंगेजमेंट तक जो कुछ भी हुआ, वो सब उसे बता दिया। उसकी बात सुनकर जूली का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर जूली कुछ सोचते हुए बोली, अगर ऐसा है तो फिर यार, तू मेरी सेटिंग विनायक सर के साथ करवा दे यार, वो मेरा बड़ा वाला क्रश है। फिर जूली शर्माते हुए बोली, अगर तुझे वो पसंद नहीं तो तू मुझे दे दे, वैसे भी वो मुझे बड़ा पसंद है। बोल, तू अपनी इकलौती बेस्टी के लिए इतू सा बलिदान नहीं दे सकती? त्रियम अदिति को मनाने के लिए क्या करेगा? क्या अदिति और त्रियम की शादी हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अदिति जूली के जज्बातों का सत्यानाश करते हुए बोली, अबे वो किसी और से प्यार करते हैं। ये शब्द ऐसे थे जिन्होंने जूली का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। फिर वो पानी की बोतल को सिर पर रखकर ऐसे नाचने लगी जैसे मानो उसने पानी नहीं शराब पी हो। जूली ब्रेकअप के गम में दुख भरा गाना गाते हुए बोली, हाय दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना छूट गए। आगे की लाइन शायद जूली भूल गई थी। फिर वो उसी गाने में दूसरा गाना जोड़कर उसका मैशअप करते गाते हुए बोली, तेरे जाने का गम, फिर नहाने का गम, फिर खाने का गम, क्या करें। तभी अदिति उसको अपनी खाली आंखों से घूर कर उसको करेक्ट करते हुए बोली, वो खाने का गम नहीं, जमाने का गम है, और वैसे भी मरे नहीं है वो, जिंदा है, तो जाने के गम का शौक मनाना बेकार है।
उसकी बात सुनकर जूली सनी देओल के गेटअप में आते हुए अदिति की तरफ उंगली पॉइंट करके जोर से बोली, ओ ए, वो क्यों मरेंगे? मरेगी मेरी जुत्ती। अदिति बाथरूम की ओर जाते हुए बोली, अच्छा मैं फ्रेश होकर आती हूँ। फिर अदिति बाथरूम के दरवाजे से झांकते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, चल एक खुशी की बात बताती हूँ, सर का प्यार शायद मर चुका है, अब तू चाहे तो अपनी सेटिंग चला ले। उसकी बात सुनकर जूली खुश होकर उसको फ्लाइंग किस देते हुए बोली, लव यू जानेमन, क्या खबर सुनाई है, तू फ्रेश हो जा, मैं तब तक बाहर भ्रमण करके आती हूँ। ये सुनकर अदिति बाथरूम में चली गई तो वहीं जूली बाहर के नजारे देखने निकल गई। इधर डेवी सुबह होते ही जोया के रूम से निकलकर अपनी मीटिंग अटेंड करने चला गया था। कुछ देर के बाद वो वापस फोन पर बात करते हुए नाक के साथ रिसोर्ट के अंदर जा रहा था, तभी रास्ते में वो जूली से टकरा गया जिससे जूली का चश्मा नीचे गिर गया। टक्कर होते ही डेवी ने तुरंत कॉल काट दी और फिर नीचे गिरे हुए चश्मे को उठाकर जूली से माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, लेकिन तुम्हारी तो डबल बैटरी थी, तुम अपनी चार आंखों से तो देख ही सकती थी। डेवी की बात सुनकर जूली का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो डेवी से चश्मा छीनकर अपनी आंखों पर लगाते हुए उसकी तरफ देखने लगी, जिसने अभी तक एक बार भी जूली की तरफ नहीं देखा था और अपने फोन में ही घुसा था। ये देखकर जूली भी गुस्से से बोली, ओ हेलो मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डबल बैटरी बोलने की? हाँ तुम पेन ड्राइव के ढक्कन, पैदाइशी एरर, वायरस के बच्चे, एक्सेल की करप्ट फाइल, ऐसा क्लिक मारूंगी कि जमीन से डिलीट होकर सीधा कब्र में इंस्टॉल हो जाएगा, सिंगल बैटरी कहीं का। डेवी जूली की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। उसके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, मगर इतनी बुरी भी नहीं थी। एक तरह से जूली क्लमजी टाइप थी। जूली व्हाइट टी शर्ट और डेनिम पैंट पहने हुए खड़ी थी। उसकी आंखों पर एक मोटे फ्रेम का चश्मा लगा हुआ था। उसके बाल कर्ली होने की वजह से उसके कंधे तक आ रहे थे। जूली का रंग साफ था और उसके निचले होठों पर दिल का काला निशान उसे काफी अट्रैक्टिव बना रहा था। डेवी ये सब देख ही रहा था कि तभी उसे जूली की आवाज दोबारा सुनाई पड़ी। जूली को जब डेवी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो जूली ने जब सामने अपना सिर उठाकर देखा तो पाया कि डेवी उसे ही घूर रहा था। ये देखकर जूली थोड़ा डर गई, क्योंकि डेवी अपनी पैनी नजरों से जूली को ऊपर से लेकर नीचे तक नजरों से स्कैन कर रहा था, जैसे मानो अपने सामने खड़ी लड़की का फिगर अपने दिमाग में बैठा रहा हो। एक हैंडसम और हसीन लड़के को अपनी तरफ घूरते पाकर जूली के दिल में तितलियां उड़ने लगी, मगर फिर भी वो अपने चेहरे पर झूठा गुस्सा लाते हुए डेवी से बोली, ओ हेलो सिंगल बैटरी, अगर तुम्हारा घूरने का कार्यक्रम पूरा हो गया हो तो जरा मेरी बातों का जवाब देने का कष्ट करोगे, या फिर ऐसे ही पूरे टाइम मुझे देखकर प्लस माइनस करने का इरादा है? जूली की बात सुनकर डेवी होश में आया और उसने अपने सारे ख्यालों को एक साइड झटका दिया। फिर उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करके अपना सवाल पूछते हुए बोला, आर यू मैरिड? जूली को डेवी से इस सवाल की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर डेवी का सवाल सुनकर जूली की आंखें बाहर आते आते रुकी। फिर जूली अपनी आंखों को बड़ी करते हुए अपने चश्मे के अंदर से डेवी को घूरते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये कौन सा बेहुदा सवाल है? डेवी अपनी खड़ूस आवाज में जूली की आंखों में आंखें डालते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोला, इसमें कौन सी बेहुदगी है जरा बताओगी? मैंने तो तुमसे सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा था, मगर तुमने एक हट्टे कट्टे नौजवान को सिंगल बैटरी बोल दिया, उसका क्या? क्या तुम्हारे इस चश्मे का नंबर बढ़ गया है, या फिर तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है? जूली उसकी बात सुनकर अंदर तक सुलग गई थी। इस वक्त उसका दिल कर रहा था कि वो एक पत्थर उठाए और अपने सामने खड़े इस बेगैरत आदमी के सिर पर फोड़ दे, मगर ये आदमी दिखने में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था, इसीलिए उसने फिलहाल के लिए अपना प्लान
ड्रॉप कर दिया। इधर जूली से रिस्पॉन्स ना मिलने पर देवी ने जब उसकी तरफ देखा तो पाया जूली को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये देखकर देवी तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, एक सेकंड, कहीं तुम उन लड़कियों में से तो नहीं जिन्हें सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद है, भले ही उनमें वो क्वालिटी ना हो। देवी की बात सुनकर जूली भी नहले पे दहला देते हुए बोली, ओ काफी ज्यादा रिसर्च कर रखी है आपने मिस्टर जंबूरा, कुछ ज्यादा ही नहीं पता आपको लड़कियों के बारे में। जूली के मुंह से देवी ने जब अपने लिए एक नया निकनेम सुना तो वो अपना नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोला, ओ मिस खरबूजा कुमारी, तुम्हें मैं किस एंगल से जंबूरा दिख रहा हूँ? अंधी हो क्या, या फिर आंखें सिर्फ शोपीस के लिए लगा रखी हैं? इतना हैंडसम और चार्मिंग बंदा तुम्हें किस एंगल से जंबूरा नजर आ रहा है? जूली ने जब देवी के मुंह से अपने लिए खरबूजा कुमारी शब्द सुना तो वो अंदर तक सुलग गई। अब उसके अंदर की आत्मा ने भी उसे धुतकारना शुरू कर दिया था। वो अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेवरेट शो डोरा दी एक्सप्लोरर को उल्टा सीधा कहने की? तुम्हारे बाल नोच लूंगी मैं अगर अब तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा तो। देवी भी जूली की बात सुनकर तेश में आ गया। अब बात उसके ईगो पर आ गई थी। वो बिना सिर पैर की बातें करते हुए बोला, हाँ देखा, आ गई ना असलियत, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। तुम अंधी और तुम्हारी वो डोरा भी अंधी क्या? कर क्या लोगी तुम? जूली अपना दिमाग दौड़ाते हुए कुछ सोचकर बोली, डोरा चाहे जैसी भी हो वो तुम्हारे छोटा भीम से तो लाख गुना अच्छी है, जंबूरा कहीं के। अब बात हाथ से निकल चुकी थी क्योंकि बात अब छोटा भीम की इज्जत पर आ गई थी और वो उसका फेवरेट हीरो, उसकी इकलौती इंस्पिरेशन था। देवी अपने हीरो की दलील देते हुए बोला, कम से कम वो बहादुर तो है, उसमें अपने सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल करने की समझ तो है, तुम्हारी उस डोरा की तरह नहीं जो सब कुछ सामने होते हुए भी अंधापना दिखाती है। जूली ने जब अपनी रोल मॉडल डोरा दी एक्सप्लोरर की बुराई सुनी तो वो अपने आपे में नहीं रही। वो तुरंत देवी से तुनकते हुए बोली, ओ हेलो, कम से कम वो पूरे कपड़े तो पहनती है ना कि तुम्हारे भीम की तरह सिर्फ लुंगी में घूमती है। नांग ने जब उन दोनों को आपस में सिर्फ एक कार्टून के लिए लड़ते देखा तो उसका तो दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि देवी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था। वो त्रियम का भाई था और त्रियम के जितना ही खतरनाक भी था, बस उसमें सब्र बहुत था, इसीलिए वो हर सिचुएशन को हमेशा शांति से डील करता था। मगर इस वक्त जो जूली के साथ बहस कर रहा था उसे देखकर तो उसके दिमाग की नसें फटने को तैयार थी। क्या वो दोनों छोटे बच्चे थे जो अपने अपने फेवरेट कार्टूनों की इज्जत बचाने में जुटे थे? बेचारा नाग कभी देवी की तरफ देखता तो कभी वो जूली की तरफ, क्योंकि वो दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। देवी के पास अब जूली की बातों को नकारने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन उसे हारना भी मंजूर नहीं था। कुछ सोचकर वो तिरछी स्माइल के साथ थोड़ा रुककर बोला, तुम ये फालतू की बातों में दिमाग कम लगाया करो, तुम ये सब बात बोलकर मेरा ध्यान उस बात से हटा नहीं सकती। लेकिन तुम बताओ या ना बताओ, तुम्हारी बातों को लपेटने के अंदाज से पता चल गया कि तुम मैरिड हो और तुम खुद इस बात को अपने मुंह से कबूलना नहीं चाहती, क्योंकि लड़कियों की तो आदत ही होती है अपनी उम्र से कम दिखने की। इधर जूली ने जब देवी की बातें सुनी तो वो गिरते गिरते बची। वो मन ही मन खुद से बोली, क्या आदमी है ये, वाह, एक तो बातों के बताशे इसके खत्म नहीं हो रहे और ये मुझे बोल रहा है। ये सोचकर जूली अपने गुस्से को हद से ज्यादा कंट्रोल करते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट मैरिड, और हाँ मैं मोटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि काफी उम्र दराज हूँ। जूली ने ये बात इधर उधर देखते हुए कही थी क्योंकि इस वक्त उसे देवी से बड़ी ही शर्म आ रही थी। शायद इस वक्त वो खुद को विनायक सर के साथ कंपेयर कर रही थी। ऊपर से सवाल भी अजीब था तो उसका हिचकिचाना लाजमी था। इस वक्त उसके गाल शर्म से टमाटर जैसे लाल हो गए थे, मगर ये चीज वो देवी को दिखाकर अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहती थी, इसीलिए जूली अपनी बात कहकर बिना वक्त गवाए वहां से भाग गई, क्योंकि देवी के सवालों का जवाब देने की उसके पास हिम्मत नहीं थी।
मगर फिर उसने मन ही मन सोच लिया कि वो अपने सामने खड़े इस लड़के को किसी भी हाल में सजा देकर ही रहेगी। जूली के चलने की स्टाइल देखकर डेवी को समझ आ गया कि उसके सामने खड़ी लड़की ने शायद सच ही बोला है। ये सोचकर पता नहीं क्यों डेवी मुस्कुरा दिया, फिर अचानक से सीरियस एक्सप्रेशन करके नाक की तरफ देखते हुए बोला, मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। देवी की बात सुनकर नाग सर हिलाकर वहां से चला गया और फिर देवी भी कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए अंदर चला गया। इधर जब सुबह की धूप जोया पर पड़ी तब धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। जोया को इस वक्त अपने शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि उसकी अपने बिस्तर से खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन शायद जोया को पहले ही इसका अंदाजा था कि अगले दिन उसके साथ हो ना हो ऐसा ही कुछ होगा। इसीलिए उसने पहले से टेबल पर रखी पेन किलर ले ली, जिससे उसकी तकलीफ थोड़ी कम हो गई। फिर जोया अपनी आंख बंद करके बेड से टेक लगाकर बैठ गई, क्योंकि ड्रग्स की वजह से जोया का सिर फटा जा रहा था। उसे इस वक्त किसी चीज का होश नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा खुला तो जोया की नजर दरवाजे पर पड़ी, जहां माया आश्चर्य से उसे ही देख रही थी। क्या देवी त्रियम को जोया और माया का सच बताएगा? क्या होगा जब त्रियम और अदिति को माया और जोया का सच पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माया जोया की हालत देखकर तुरंत उसके पास आई और फिर जोया से पूछते हुए गुस्से से बोली, बेवकूफ लड़की, ये क्या हरकत की है तूने? जरा अपनी हालत तो देख, अगर किसी ने देख लिया तो पता है ना, सारा खेल तहस नहस हो जाएगा। जोया अपने चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल लाते हुए बोली, अब चाहकर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मॉम। इतना कहकर जोया ईविल स्माइल करने लगी। इधर जोया की खतरनाक स्माइल देखकर माया की आंखें बड़ी हो गई। फिर वो आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव से बोली, मतलब तू? जोया माया की बात बीच में ही काटते हुए बोली, वही जो आप समझ रही हैं। इतना कहकर जोया अपनी गर्दन पर बने लव बाइट की तरफ इशारा करती है। जोया की हालत देखकर माया खुशी से झूम उठी। उन्हें समझ आ गया था कि पिछली रात को उन दोनों के बीच क्या हुआ था। फिर माया जोया का माथा चूमते हुए बोली, वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने, अब तो वो चाहकर भी इस शादी से इनकार नहीं कर पाएगा। इतना कहकर दोनों ही माँ बेटी एक दूसरे को देखकर शैतानी मुस्कुराहट पास करने लगी। इधर अदिति जब बाथरूम से बाहर निकली तभी उसे किसी ने खींचकर दरवाजे से लगा दिया। जब अदिति ने अपना सिर उठाकर उस तरफ देखा तो पाया त्रियम उसके सामने खड़ा उसे ही अपनी इंटेंस भरी नजरों से देख रहा था। त्रियम की नजरों को अपने ऊपर महसूस करते ही अदिति के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के चेहरे के इतने करीब खड़े थे कि उनकी नाक आपस में टच हो रही थी। त्रियम अदिति के शरीर से आती फ्रेश खुशबू से मदहोश हो रहा था। फिर त्रियम धीरे धीरे अदिति के होठों की तरफ झुकने लगा। वो अदिति को किस कर पाता उससे पहले ही दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलने की आवाज से दोनों ही हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां जूली अपने दोनों हाथ अपने घुटने पर रखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जब जूली ने अपनी सांसों को कंट्रोल करके ऊपर देखा तब त्रियम अदिति के होठों को ही देख रहा था और अदिति जूली को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। वो शायद किस ना हो पाने की वजह से थोड़े गुस्से में नजर आ रही थी। अदिति की हरकत को देखकर जूली समझ गई कि उसने जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये देखकर जूली अदिति को जबरदस्ती अपने दांत दिखाते हुए बोली, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर जूली त्रियम की तरफ देखकर क्यूट सा चेहरा बनाकर बोली, सच्ची में बड़ा वाला सॉरी जीजू। जहां अदिति पहले जूली को गुस्से से घूर रही थी, वहीं त्रियम के लिए जीजू वर्ड सुनकर अदिति के एक्सप्रेशन थोड़े नॉर्मल हो गए, मानो जूली का त्रियम को जीजू कहना उसे बड़ा पसंद आया हो। वहीं अपने लिए जीजू सुनकर त्रियम ने अपनी नजरें जूली की तरफ की,
जो अपनी आंस भरी नजरों से उसी को देख रही थी। त्रियम ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी तो ये देखकर जूली खुश हो गई, फिर ओके कंटिन्यू बोलकर वहां से हंसते हुए बाहर चली गई। लेकिन रूम के बाहर जाते ही वो किसी से टकरा गई जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगी। जूली ने तुरंत ही डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, मगर तभी मजबूत हाथों ने जूली को गिरने से बचा लिया। किसी आदमी का हाथ अपनी कमर पर महसूस करते ही जूली ने झट से अपनी आंखें खोल दी। फिर जब उसने अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि विनायक सर खड़े थे जिन्होंने जूली को गिरने से बचाया था। विनायक को देखकर जूली तो फ्लैट हो गई थी। विनायक के बाल उनके माथे पर पूरी तरह बिखरे हुए थे, उनकी आंखें हल्की हल्की थकी सी लग रही थी जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। जूली एक टक विनायक की आंखों में देख रही थी, मगर जूली के इस तरह देखने से विनायक थोड़ा खांसते हुए बोले, मिस जूली आप ठीक तो हैं? विनायक की बात सुनकर जूली होश में आई और वो तुरंत सीधी होकर बड़े ही प्यार से बोली, यस सर आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। जूली की बात सुनकर विनायक हल्का सा जूली के सिर को थपथपाते हुए मुस्कुराकर वहां से चले गए। जूली विनायक की ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक थी, इसीलिए वो जूली को हमेशा अपनी स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करते थे। हालांकि उन्हें पता था कि वो पूरी यूनिवर्सिटी का क्रश है, जिस वजह से कॉलेज के लड़के उनसे काफी ज्यादा जलते थे। विनायक के जाने के बाद भी जूली उसी तरफ बड़े प्यार से ही देख रही थी और वो बार बार अपने सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराए जा रही थी, जहां कुछ देर पहले विनायक ने उसके सिर को थपथपाया था। मगर कोई और भी था जो जूली को अपनी जलती निगाहों से देख रहा था। दरअसल देवी भी उसी वक्त वहां आया था जब विनायक ने जूली की कमर पर हाथ रखकर उसको गिरने से बचाया था। जूली और विनायक को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पाकर देवी की आंखों में जूली के लिए बेशुमार नफरत भर गई। पहले उसे लगा था कि जूली बाकी और लड़कियों से अलग है, मगर नहीं, वो भी उन सभी लड़कियों के जैसी ही निकली थी जो सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। देवी ने एक नज़र जूली को देखा और वहां से मुंह घुमाकर चलते बना, मगर जूली इन सबसे अनजान थी कि कोई उसे बस एक नज़र देखकर उसके कैरेक्टर के बारे में फैसला कर चुका है। वो तो बस विनायक को घोड़े पे सवार होकर प्रोफेसर के गेटअप में इमेजिन कर रही थी। ये सब सोचते ही जूली ने अपने मुंह को दोनों हाथों से ढक लिया और बुदबुदाते हुए बोली, हाय कितने सोने लग रहे थे वो, हाय रब्बा उन्हें मेरा कसम बना दे। वहीं अदिति जूली के जाने के बाद त्रियम के गले में प्यार से हाथ डालते हुए बोली, हाल कुछ बदले बदले लग रहे हैं जनाब के। अदिति की बात सुनकर त्रियम उसकी कमर पर हाथ रखकर उसको अपने और करीब करते हुए बड़े ही सेडक्टिव आवाज में बोला, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे। अदिति हंसते हुए त्रियम के चेहरे से उंगली फिराकर उसके सीने तक लाते हुए बोली, देखो मेरी संगति का असर। त्रियम अदिति की उंगली को अपने सीने पर फिराने से रोकते हुए बोला, सोच लो कहीं तुम्हें ही भारी ना पड़ जाए। इतना कहकर त्रियम धीरे धीरे अदिति के होठों पर झुकने लगा। अदिति के होठ त्रियम के होठों से मिलने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और फिर रणविजय जी की आवाज आई, अदिति बेटा जल्दी तैयार हो, तुम लोगों को अभी निकलना है, और हाँ जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ, हरी अप। इधर त्रियम जो अदिति को किस करने के लिए झुका था, वो रणविजय जी की आवाज सुनकर रुक गया और फिर अदिति को एक नजर घूर कर चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारे पापा की प्रॉब्लम क्या है, हर वक्त वो साहे की तरह तुम्हारे आसपास भटकता रहता है। अदिति त्रियम को खुद से दूर करके फुसफुसाते हुए बोली, जाओ यहाँ से तुम, वरना अगर पापा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो कहीं यहीं पर तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए, जाओ जल्दी। अदिति की बात सुनकर त्रियम रणविजय जी को मन में हजारों गालियां देते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक तो पहले ही बेचारे के मूड को जूली ने सत्यानाश कर दिया था, और वहीं अब ये उसका ससुर बीच में पोंगे बजा रहा था।
प्रियम का तो दिल कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त उस आदमी की खोपड़ी उड़ा दे, मगर नहीं, वो अपने होने वाले ससुर के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। वो इस आदमी को मारकर अपनी अदिति को अनाथ हरगिज नहीं कर सकता था। वहीं अदिति त्रियम के चेहरे पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस को देखे जा रही थी। उसे त्रियम के लिए बुरा भी लग रहा था और अफसोस भी हो रहा था, मगर अब वो कर ही क्या सकती थी। फिर अदिति ने त्रियम को देखा जो अपनी सोच में खोए हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर अदिति जल्दी से त्रियम को अपनी तरफ खींचकर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, उधर किधर जा रहे हो? त्रियम ना समझी से बोला, जहां से आया था वहीं से जा रहा हूं। अदिति अपना सिर पीटते हुए बोली, पागल आदमी, उधर पापा खड़े हैं, एक काम करो तुम खिड़की से नीचे चले जाओ। त्रियम चिढ़ते हुए बोला, मैं क्या कोई टीनेजर वाला लफंगा हूँ जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए खिड़की का यूज करूँ? मैं नहीं जा रहा, ये हरकतें निब्बों पर ही सूट करती हैं। प्रियम की बात सुनकर अदिति उसके पैरों की तरफ झुकते हुए बोली, तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, जल्दी जाओ, अगर पापा ने देख लिया तो बैंड बजा देंगे तुम्हारी, प्लीज। प्रियम अदिति के झुकने से तुरंत दूर हो गया, फिर वो ना चाहते हुए भी खिड़की की तरफ बढ़ गया। अदिति को खुद से ज्यादा उसकी चिंता थी कि कहीं उसका ससुर उसके ही बैंड ना बजा दे। वैसे भी दोनों में 36 का आंकड़ा था, दोनों ही एक दूसरे को देखते ही काट खाने को दौड़ते थे। इधर काफी देर तक आवाज ना आने पर रणविजय जी एक बार फिर से दरवाजा पीटते हुए बोले, अदिति क्या कर रही हो बेटा, जल्दी करो, मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूँ। रणविजय जी की आवाज सुनकर अदिति जल्दी से बोली, बस आ रही हूँ पापा, प्लीज बस 5 मिनट और रुक जाइए। इतना कहकर उसने जल्दी से अपने बाल सही किए और तुरंत ही दरवाजा खोलने चली गई। इधर डेवी जूली को ही एकटक घूर रहा था, जो किसी मेल वेटर से हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये देखकर उसका शक यकीन में बदल गया और वो जूली को धोखेबाज समझकर वहां से जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन तभी उसकी नजर जोया पर पड़ी, जो कि अपना सिर दबाते हुए कमरे से अपना लगेज लेकर बाहर निकल रही थी। ये देखकर डेवी स्माइल करते हुए खुद से ही बोला, अब आएगा असली मजा, जब तुम्हें पता चलेगा कि जिस इंसान को तुम त्रियम समझ रही थी वो मैं था। जाओ जाओ, बहुत शौक है ना तुम्हें और तुम्हारी माँ को दूसरों के साथ खेलने का। अब असली खेल तुम्हारे साथ देवी खेलेगा, जिसमें हार के बदले सिर्फ मौत होगी। वेलकम टू दी हिल बेबी। इतना कहकर देवी डेविल स्माइल करते हुए अपने पॉकेट में हाथ डालकर मजे से गार्डन की ओर चला गया। इधर अदिति के रूम में त्रियम कभी खिड़की को घूर रहा था तो कभी जमीन को, फिर खुद से ही बात करते हुए बोला, वाह क्या दिन आ गए हैं, ब्लैक ईगल का डॉन जिसकी एक झलक पाने के लिए दुनिया तरसती है, आज उसी को ऐसे खिड़की से बाहर जाना पड़ रहा है। चल बेटा लग जा काम पे, वरना तेरे ससुर ने देख लिया तो बेटी का हाथ तो क्या, उसके पैर का नाखून भी नहीं देगा। इतना कहकर त्रियम ने एक लंबी सांस ली और खिड़की से निकलकर पाइप के सहारे नीचे उतरने लगा। त्रियम का इस तरह से नीचे जाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, उसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल था। जोया के साथ क्या कहने का सोच रहा है देवी, कहीं गलतफहमी के चलते देवी जूली के साथ भी कुछ गलत तो नहीं करेगा। जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। त्रियम जैसे ही नीचे उतरकर पीछे पलटा तो देखा देवी हैरानी से अपना मुंह खोले कभी त्रियम को तो कभी उस रेलिंग को देख रहा था जहां से त्रियम नीचे उतरा था। देवी को इस वक्त यहां देखकर त्रियम सक पका गया। वो अच्छे से जानता था कि उसका खुराफाती भाई जरूर उसका मजाक बनाएगा। तभी देवी त्रियम का मजाक बनाते हुए बोला, वाह भाई वाह, हमारे लिए तो आज तक एक ग्लास पानी तक लाकर नहीं दिया और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सीधा पाइप पर चढ़ गए, वाह। त्रियम अपने कपड़े सही करते हुए बोला, छड़ा नहीं उतरा हूँ। देवी मुंह बनाते हुए बोला, अरे यार जो भी हो भाई, सच सच बताना, मेरी फ्यूचर भाभी अदिति होगी है ना? त्रियम ने जब देवी के मुंह से अदिति के लिए खुद की वाइफ शब्द सुना
तो उसके दिमाग में उस दिन का वाक्या घूम गया जब उसने अदिति को किडनैप किया था और फिर अदिति ने खुद को उसकी फ्यूचर मिसेज शेखावत बताया था। ये सोचकर त्रियम ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर चल रहे अंतर्ध्वन को संयमित करते हुए अपना सिर धीरे से हिला दिया। त्रियम की हाँ सुनकर देवी को तो सदमा ही लग गया। उसने तो बस मजाक मजाक में हवा में ही तीर छोड़ा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये तीर बिल्कुल निशाने पर लगेगा। देवी हैरत से अपनी आंखें बड़ी करते हुए त्रियम के पास जाकर बोला, ब्रो तुम ठीक तो हो ना? कहीं एक आध बॉटल वगैरह तो नहीं चढ़ा रखी है? त्रियम देवी को खुद से दूर करते हुए बोला, व्हाट रबिश यार, दिमाग के वायर तो सही से जुड़े हैं ना, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कभी इतनी नहीं पीता कि मुझे किसी चीज का होश ही ना रहे। आज देवी के ऊपर एक के बाद एक बम फटे ही जा रहे थे। आज उसके भाई ने उससे अच्छे से बात की थी, वो भी बगैर किसी एटीट्यूड के। देवी अपने मुंह को जरूरत से ज्यादा बड़ा खोलते हुए बोला, भाई मुझे आप पर शक हो रहा है, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। भाई आपके लिए तो लड़कियां सिर्फ एक खिलौना है और आज आपको प्यार हो गया, वाह भाई वाह। देवी की ये बात त्रियम जैसे सख्त बंदे को कुछ खास पसंद नहीं आई, मगर देवी बोलने में इतना व्यस्त था कि उसने त्रियम के फेस एक्सप्रेशन नोटिस ही नहीं किए। वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, मतलब मेरे वायलेंस प्रिय भाई को दुनिया में एक यही अशांति प्रिय लड़की पसंद आनी थी, वो तो कहीं से भी आपके साथ फिट नहीं बैठती। अरे आप सुलझे हुए समझदार, कहां वो खुद में ही उलझी हुई बेवकूफ लड़की, ये मैच कुछ हजम नहीं हो रहा हमको। त्रियम ने जब देवी के मुंह से अदिति की इतनी तारीफ सुनी तो वो उसको घूरने लगा और उसके पेट पर घूसा जड़ते हुए आगे बढ़ गया, मगर जाते जाते डेविल स्माइल करते हुए बोला, नहीं हजम हुआ कोई बात नहीं, अब हजम जरूर हो जाएगा। वहीं देवी त्रियम के इस मूव के लिए तैयार नहीं था। ये घूसा इतनी तेज था कि उसके मुंह से एक आह निकल गई और वो अपने पेट पर हाथ रखकर आगे की तरफ झुकते हुए बोला, हाथ है या फिर हथौड़ा, जय हो अदिति भाभी की, उसने मेरे इस खड़ूस भाई को सुधार दिया। देख लेना दुनिया वालों, एक दिन यही त्रियम जैसा खूंखार आदमी बीवी की एक दहाड़ पर चुपचाप खामोशी से बैठ जाएगा, सुधार देगी मेरी भाभी इसको। कुछ ही देर में सभी लोग अपने अपने लगेज के साथ रिसोर्ट के बाहर खड़े थे। रणविजय जी अदिति को समझाते हुए बोले, बेटा तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ। फिर त्रियम को घूरते हुए आगे बोले, अनजान लोगों को कभी अपने आसपास मत भटकने देना। रणविजय जी की बात सुनकर त्रियम उन्हें घूरने लगा, वो समझ गया था कि ये आदमी उसी को टोंट मार रहा है। तभी उसके कानों में रणविजय जी की दोबारा आवाज सुनाई पड़ी, जो कि दादा को टोंट मार कर अदिति से कह रहे थे, बेटा तुम इच्छाधारी आस्तीन के सांपों से भी सावधान रहना, वो कब तुम्हें इंसानी रूप में आकर डस ले तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर दादा की तरफ नफरत भरी नजरों से घूरते हुए आगे बोले, वैसे भी कौन कब तुम्हारी पीठ में छुरा भोंक दे कुछ पता नहीं चलता। दादा भी रणविजय जी के तानों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो शायद अब तक वो इंसान जिंदा ना रहता, मगर ये बात दादा के सबसे करीब और खास दोस्त उनके रणवी ने कही थी, इसीलिए उनके दिल में एक चुभन सी महसूस हुई, मगर फिर भी वो बिल्कुल शांत खड़े रहे। वहीं प्रिया जी भी दादा के दिल के अंदर उमड़ रहे सैलाबों को बहुत अच्छे से समझ रही थी, मगर वो दो दोस्तों के बीच की लड़ाई में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने दादा के हाथों को कसकर पकड़ लिया और उन्हें आंखों ही आंखों में सब कुछ ठीक हो जाने का इशारा करने लगी। प्रिया जी के ऐसा करते ही दादा उनकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। तो वहीं अदिति रणविजय जी की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, मगर सब उसके सिर के ऊपर से गुजर रहा था। तभी जूली रणविजय जी से बोली, अरे अंकल आप ना इतनी भारी भरकम बातें रहने दीजिए, वैसे भी सब इसके दिमाग के ऊपर से गुजर गया। जूली की बात सुनकर अदिति जूली को घूरने लगी,
कि आखिर वो समझने की कोशिश तो कर रही थी, मगर उसको समझ नहीं आ रहा था इसमें उसकी क्या गलती। ये सोचकर अदिति ने जूली से अपनी नजरें फेर ली। जूली की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो त्रियम हमेशा की तरह इमोशनलेस खड़ा था। उसे यहाँ हो रहे फैमिली ड्रामे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो अपने डेस्टिनेशन की लोकेशन पता कर रहा था। वहीं देवी बस जूली को अपनी खाली नजरों से देख रहा था। त्रियम की तरह देवी भी अब खड़े खड़े काफी उब गया था। फिर वो उबासी लेते हुए जूली को देख कर बोला, ओ डबल बैटरी, अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलें, या फिर यहीं पर खड़े खड़े घर घर खेलना है। देवी की बात सुनकर जूली काफी ज्यादा चिढ़ गई, मगर वो सबके सामने देवी को जवाब नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने देवी को इग्नोर किया और खुद अदिति को लेकर गाड़ी में बैठ गई। जूली के इग्नोर करने से देवी भी चिढ़ गया। वो मन ही मन खुद से बोला, आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझको इग्नोर करने की। ये सोचकर देवी भी गुस्से में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वहीं त्रियम की नजरें देवी पर ही थी और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। धीरे धीरे सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। विनायक सर सबसे पीछे की सीट पर बैठे, बिना किसी पर कोई ध्यान दिए बस अपनी मैथ्स की बड़ी और मोटी किताबों में घुसे हुए थे। वैसे भी उनको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वहीं जोया त्रियम के आगे बैठ जाने पर काफी ज्यादा चिड़ी हुई थी, क्योंकि उसे त्रियम के पास उसके करीब बैठना था। तो वहीं अदिति खिड़की से बाहर के नजारों को देख रही थी। उसके बाल हवा की वजह से बार बार उसके होठों को टच कर रहे थे। इस वक्त अदिति के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मानो वो कुछ सोच रही हो। कुछ ही देर में वो सभी एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने प्राइवेट जेट से रायपुर के लिए निकल गए। करीब 2 घंटे बाद उन सब ने रायपुर शहर की जमीन पर कदम रखा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही त्रियम के गार्ड्स ने तुरंत सबको कवर कर लिया, ताकि वो सभी मीडिया वालों की नजरों से दूर रह सके। अदिति अपने आसपास के नजारों को देखकर कुछ सोच रही थी, तभी उसे अपने सामने एक गठीले बदन वाला आदमी नजर आया, जो कि सिर पर लाल पगड़ी और बदन पर धोती कुर्ता पहने खड़ा था। वो आदमी बार बार अपनी सफेद और घनी मूछों पर बड़े ताव से हाथ फेर रहा था। उसके लिबास को देखकर ही लग रहा था कि जैसे वो किसी राजघराने का हो। उसके चेहरे पर उसका स्वाभिमान अटखेलियां कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह का तेज था। प्रियम को देखते ही वो आदमी जल्दी से उसके पास आया और उसको झुककर प्रणाम किया। फिर वो त्रियम और बाकी सबको लेकर हवेली के लिए निकल गया। बाकी सब भी इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। जोया अदिति की तरफ देखकर एक नफरत भरी मुस्कान पास करते हुए अपने फोन में कुछ टाइप करने लगी और फिर शैतानी मुस्कुराहट पास करते हुए अपने मन में बोली, आई विश इस ट्रिप को तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओ। कुछ ही देर में सभी लोग अपनी कार से उतरकर एक हवेली के सामने खड़े थे। हवेली के कुछ नौकर जल्दी जल्दी सभी के सामानों को उतार कर उनके कमरे में पहुंचा रहे थे। वहीं वहां आए सभी लोग हवेली को गौर से देख रहे थे। हवेली पूरी तरह से किसी राजमहल की तरह लग रही थी। हवेली बाहर से पूरे बादामी कलर में रंगी हुई थी। उस हवेली की सबसे खास बात ये थी कि वहां की खिड़कियां दरवाजों के बराबर ही लंबी चौड़ी थी। उन सभी खिड़कियों पर काफी बारीक नक्काशी की गई थी, जिन पर पर्दे पड़े हुए थे, जो कि हवा से बार बार इधर उधर उड़ रहे थे। वैसे तो ये हवेली बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर दिखने में किसी किले से कम भी नहीं थी। हवेली के चारों तरफ खेत थे और उनमें तरह तरह की सब्जियां बोई हुई थी, और उन खेतों के पीछे बगीचे थे जिनमें फलों के कई तरह के पेड़ लगे हुए थे। हवेली का लुक आंखों को सुकून देने वाला था। वहां की हवाओं में सब्जियों, फलों और मिट्टी की ताजी खुशबू आ रही थी, जो मन को सुकून पहुंचा रही थी।
हवेली बेशक टाउन में थी, लेकिन उसके आसपास का वातावरण किसी गांव के इलाके से कम नहीं लग रहा था। वहां का वातावरण पूरी तरह से गांव वाली फीलिंग दे रहा था। सभी लोग सफर से काफी ज्यादा थक गए थे। जोया बिना वक्त गवाए तुरंत अपनी नाक भौवे से कुड़ते हुए अंदर चली गई। उसे सिर्फ लग्जरी लाइफ ही पसंद थी, इसीलिए वो तो बस किसी खास इरादे से यहाँ आई थी। विनायक सर भी कुछ देर वहाँ रुके, फिर वो भी आराम करने कमरे में चले गए। देवी यहाँ की सिक्योरिटी चेक करने चला गया, क्योंकि उनके दुश्मन बहुत थे, इसीलिए सभी की सुरक्षा करना अब देवी और त्रियम की जिम्मेदारी थी। वहीं जूली अपने पास खेल रहे बकरी के बच्चों की तरफ चली गई। अब वहां पर सिर्फ त्रियम और अदिति थे। तभी त्रियम उस आदमी के पास जाकर चारों ओर देखते हुए बोला, राणा काका, मानना पड़ेगा आपने अभी तक इस हवेली की चमक और उसकी जड़ों को यहाँ की मिट्टी से संजो कर रखा है। राणा काका इस हवेली के केयर टेकर थे। ये हवेली त्रियम के दादा छत्तीसगढ़ के शेर दलबीर सिंह शेखावत की थी। उन सभी के शहर जाने के बाद राणा काका अपने परिवार को लेकर हमेशा के लिए यहाँ बस गए, और फिर दलबीर सिंह शेखावत ने इस हवेली की जिम्मेदारी राणा के बाप शमशेर सिंह को सौंप दी थी, जो कि दलबीर जी के असिस्टेंट थे। फिर शमशेर सिंह के बाद ये हवेली राणा सिंह जी ने संभाल ली। तभी से राणा जी अपने परिवार के साथ यहाँ हमेशा के लिए बस गए। राणा रघुवेंद्र सिंह यानी दादा के सबसे वफादार आदमी थे, इसीलिए दादा ने इस हवेली की भागदौड़ हमेशा के लिए राणा को सौंप दी थी। तब से वही इसकी देखभाल करते थे। क्या देवी त्रियम को बताएगा जोया और उसकी माँ माया का सच? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। त्रियम ने यहीं अपना बचपन बिताया था। दादा ने त्रियम को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए उसको यहीं भेज दिया था। त्रियम को लड़ाई के दाव पेच राणा ने ही सिखाए थे। वो यहाँ की देसी मिट्टी में रहकर बड़ा हुआ था, इसीलिए उसका शरीर हद से ज्यादा मजबूत और फौलादी था। उसका गटीला और कसा हुआ बदन इस बात का सबूत था कि त्रियम एक बेहतरीन खिलाड़ी था। त्रियम की बात सुनकर राणा सिर झुकाते हुए बोले, छोटे मालिक, ये सब बस आपकी मेहरबानी है, आप ही की मेहनत है जो अब जाके फल फूल रही है। दरअसल फौरन जाने से पहले त्रियम ने ही यहाँ चारों तरफ खेती और बगीचा बनाया था। त्रियम बेशक बड़ा खतरनाक था, मगर उसे नेचर से प्यार था, खासकर बगीचे से तोड़े गए ताजे फल और सब्जियों से, इसीलिए उसने यहाँ ढेर सारे पेड़ लगाए थे। फिर कुछ समय के बाद जब त्रियम ने सारे दाव पेच सीख लिए थे, तब दादा ने उसे फॉरेन शिफ्ट करवा दिया था। वहीं पर रहकर त्रियम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और देवी के साथ मिलकर अपने फॉरेन के बिजनेस को संभाला। राणा की बात सुनकर त्रियम राणा जी का सिर उठाते हुए बोला, काका, ये सब आपकी मेहनत है। बेशक मैंने उसकी नींव रखी, मगर उसमें अपना खून पसीना आपने बहाया है। और प्लीज ये मुझे छोटे मालिक कहना बंद कीजिए, आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए। त्रियम की बात सुनकर उसके पास खड़ी अदिति को तो जैसे सदमा ही लग गया। जब से अदिति त्रियम की लाइफ में आई थी, तब से लेकर अब तक अदिति ने त्रियम को इतना पोलाइटली प्यार और अपनेपन से किसी से भी बात करते नहीं देखा था, यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी नहीं। त्रियम की ये सॉफ्ट साइड देखकर अदिति उसको ही एक टक देखने लगी। उसे आज त्रियम रोज से बिल्कुल अलग लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जलन भी हो रही थी, क्योंकि त्रियम ने आज तक उससे भी कभी इतने प्यार से बात नहीं की थी। त्रियम की बात सुनकर राणा जी हंसते हुए बोले, अच्छा बाबा, अब आप लोग भी आराम कीजिए, कुछ ही देर में मेरी घरवाली और बच्चे भी मंदिर से आते होंगे। जब से उन्हें पता चला है कि आप लोग आ रहे हो, तब से वो लोग बहुत ही उत्साहित हैं, इसीलिए वो आपके लिए मंदिर का प्रसाद लेकर बस आते ही होंगे। राणा जी की बात सुनकर त्रियम मुस्कुरा दिया। त्रियम की मुस्कुराहट देखकर अदिति को तो जैसे हार्ट अटैक ही आ गया। वो तो बस अपना मुंह फाड़े उसको ही देख रही थी।
आज शायद अदिति ने त्रियम को पहली बार खुलकर मुस्कुराते हुए देखा था। तभी अदिति ने नोटिस किया कि मुस्कुराने पर त्रियम के गालों पर डिंपल भी पड़ता है। ये देखकर अदिति त्रियम की खूबसूरती में ही खो गई। कहीं ना कहीं उसको काफी ज्यादा जलन भी हो रही थी, क्योंकि धूप की खिलखिलाती रोशनी त्रियम के चेहरे पर पड़कर उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। राणा जी के जाने के बाद त्रियम अदिति की तरफ मुड़ गया, क्योंकि उसे पहले ही एहसास हो गया था कि अदिति उसे काफी देर से देख रही है। वो अदिति की तरफ मुड़ते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर बोला, क्या देख रही हो? अदिति त्रियम की बात सुनकर चेप गई और इधर उधर देखने लगी। फिर वो त्रियम के पास आई और उसके कानों के पास झुककर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो, हंसते हुए और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। इतना बोलकर वो जल्दी से त्रियम के गाल पर किस करके हवेली के अंदर भाग गई। तो वहीं त्रियम अदिति के ऐसे अचानक किस करने से हैरान रह गया। फिर वो भी अपना ब्लेजर अपने कंधे पर रखकर मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। जोया अपने कमरे की बालकनी से इस नजारे को देख रही थी। अदिति को किस करते देख जोया के हाथों की पकड़ रेलिंग पर कस गई और उसकी आंखों में खून उतर आया। अदिति और त्रियम को इतने करीब देखकर जोया की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसकी पकड़ रेलिंग पर बुरी तरह कस गई। उसकी आंखों में खून उतर आया था। इस वक्त जोया की आंखों में त्रियम को पाने का जुनून साफ साफ दिखाई दे रहा था। जोया गुस्से से अपने कमरे में गई और पागलों की तरह अपने कमरे का सामान फेंकने लगी। तभी जोया की नजर बेड के सामने लगे मिरर पर गई, जिसमें जोया को अदिति का त्रियम को किस करना दिखाई दे रहा था। ये देखकर जोया ने अपने बगल में नाइट स्टैंड पर रखे फ्लावर पॉट को उठाकर गुस्से से शीशे में दिखाई देने वाले अदिति के अक्स पर मार दिया। फ्लावर पॉट मिरर में पड़ते ही उस आईने के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसके बाद जोया को अदिति का अक्स दिखना बंद हो गया। उस टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को देखकर जोया पागलों की तरह हंसने लगी। फिर धीरे धीरे उसके करीब जाकर अपने पंजों के बल बैठते हुए एक कांच के टुकड़े को हाथ में पकड़कर उसको घूरते हुए बोली, तुम तो बुरी तरह टूट गए। देखो, तुम्हारा तो वजूद ही मैंने मिटा दिया, लेकिन गलती तुम्हारी ही है। तुम्हें उस अदिति की झलक अपने अंदर लानी ही नहीं चाहिए थी। अब देखो ना, तुम्हारा वजूद भी मैंने मिटा दिया। अब इसी तरह मैं उसका भी नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगी। ऐसा पासा फेंकूंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना बोलकर जोया जोर जोर से हंसने लगी। जोया के अंदर जलन की भावना अपना उग्र रूप धारण कर चुकी थी। उसके अंदर अदिति से नफरत की आग की ज्वाला धधक रही थी। अब ये आग कितनों को जला देने वाली थी, सिर्फ यही देखना बाकी था। जोया अपनी जगह से उठी और अपने बेड की तरफ बढ़ गई। वो अपना फोन उठाकर किसी का नंबर डायल करते हुए बड़ी हल्की मगर सख्त आवाज में बोली, सुनो, मैं तुम्हें एक फोटो भेज रही हूँ। मुझे वो मेरे आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। उसको किडनैप करो या फिर जान से मार दो, कुछ भी करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जानी चाहिए, वरना मैं खुद तुम लोगों को गोली मार दूंगी। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसको सुनकर जोया तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, जितना कहा है उतना करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन पैसे मिलने के बाद ना तुम मुझे जानते और ना ही मैं तुम्हें। अगर किसी भी तरह से मेरा नाम इसमें आया तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, और रही बात पैसों की तो वो काम खत्म हो जाने के बाद तुम्हें दे दिए जाएंगे। इतना कहने के बाद जोया ने फोन काट दिया और उस नंबर पर अदिति की फोटो सेंड कर दी। जोया अदिति की फोटो को देखते हुए बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें आंख से खेलने का। जोया की आंख तुम झेल नहीं पाओगी और ना ही उसका पागलपन झेल पाओगी। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन तुमने मेरे प्यार को, मेरे जुनून को मुझसे छीनने की
मुझसे दूर करने की कोशिश की है, जिसको मैं दिलो जान से चाहती हूँ। इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ डार्लिंग, जोया विल किल यू। इतना कहकर जोया बुरी तरह हंसने लगी। ये हंसी गुस्से, जलन और नफरत से भरी हुई थी, जिस वजह से जोया के हाथ गुस्से से उस कांच के टुकड़े पर कसते चले गए। कांच घुसने से जोया के हाथों में गहरा घाव हो गया, जिस पर से खून रिसने लगा। मगर जोया को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसे इसका एहसास ही नहीं था। शायद इस घाव का दर्द जोया के दिल में उठ रहे दर्द से बहुत ही कम था। जोया को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसके दिमाग में तो बस त्रियम को पाने का जुनून सवार था। इधर अदिति जोया के इरादों से अनजान अपने कमरे की बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी। अचानक से अदिति के चेहरे पर कुछ सोचते हुए डेविल स्माइल आ गई और फिर वो मिरर के सामने जाकर खुद को निहारते हुए बोली, वेल डन अदिति, तू अपनी मंजिल के बहुत करीब है, बस थोड़ा सा इंतजार और फिर। अदिति ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी और फिर मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों को अलमारी में सेट करके फ्रेश होने चली गई। इधर विनायक अपने नोट्स बना रहे थे, तभी उनको प्यास लगी और जब उन्होंने अपने पास रखे जग को खाली देखा तो वो जग लेकर किचन को ढूंढने लगे। कुछ ही देर में उनको किचन भी मिल गया। किचन के पास पहुंचते ही विनायक ने देखा कि एक लड़की घाघरा चोली पहने किचन में काम कर रही थी। उसने अपने सिर से काफी लंबा घूंघट किया हुआ था, जिससे कि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो शायद यहाँ की रसोईया होगी, ये सोचकर विनायक उस घूंघट वाली लड़की का ध्यान अपनी ओर करते हुए बोले, सुनिए। विनायक की आवाज सुनते ही वो लड़की जो प्याज काट रही थी उसके हाथ रुक गए। फिर वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर अपना सिर झुकाते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोली, जी कहिए हुकुम, आपको कुछ चाहिए था? विनायक उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे, मगर शायद वो देख नहीं पा रहे थे। उस लड़की की आवाज सुनकर विनायक अपनी जगह जम से गए, क्योंकि इस आवाज को शायद वो बहुत पहले सुन चुके थे। उस आवाज को सुनते ही विनायक को किसी की याद आ गई और फिर अनायास ही उनके मुंह से निकला, ऋषु। विनायक की बात सुनकर वो लड़की अपनी ही जगह जम सी गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे, मगर फिर वो खुद को संभालते हुए बोली, जी माफ कीजिएगा, लेकिन हमारा नाम। वो लड़की इसके आगे कुछ बोलती कि तभी एक 40 साल की औरत वहां आते हुए बोली, रज्जो है, इसका नाम रज्जो है। एक अनजानी आवाज सुनकर विनायक पीछे घूम गए। जब सामने उन्होंने देखा तो पाया एक 40-45 साल की औरत मल्टी कलर की साड़ी पहने थी और उसका सिर साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। उस औरत का रंग गेहूं था, तीखे नैन नक्श, कमर पर सोने का कमरबंद और अपने हाथों में पूजा की थाल लिए थी। वो औरत किचन के अंदर आते हुए बोली, कुछ चाहिए था क्या आपको? विनायक उस औरत की तरफ देखते हुए अपना जग दिखाकर बोले, जी वो इसमें पानी खत्म हो गया था तो बस वही लेने आया था। विनायक की बात सुनकर वो औरत मुस्कुराते हुए रज्जो से बोली, ए रज्जो, देख साहब को पानी चाहिए, जा जल्दी से लाकर दे इन्हें। दरअसल ये औरत और कोई नहीं, राणा साहब की पत्नी कुसुम सिंह थी, जो इस हवेली की करता धरता थी। हवेली के लोग इन्हें प्यार से ठकुराइन कहकर पुकारते थे। उस औरत की बात सुनकर रज्जो जो प्याज काट रही थी वो जी माँ कहकर वहाँ पास में ही रखे घड़े से पानी ले आई और विनायक को देते हुए बोली, ये लीजिए साहब। विनायक रज्जो से थैंक यू बोलकर जैसे ही उन्होंने रज्जो से जग लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उनका हाथ रज्जो के हाथ से हल्का सा टच हो गया। जब विनायक का हाथ रज्जो के हाथ से टच हुआ तो अचानक ही उनके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उन्हें पता नहीं क्यों ये टच जाना पहचाना लग रहा था, मगर फिर विनायक सर इस पर ध्यान दिए बगैर वहां से जग लेकर चले गए। लेकिन वो बार बार पीछे मुड़कर कभी रज्जो को देखते तो कभी अपने हाथ को, जो कि कुछ देर पहले ही उसके हाथों से टच हुआ था। उस लड़की के छुअन के एहसास से ही विनायक का रोम रोम सियर उठा था।
वो इस एहसास को जानते थे, मगर उनका दिमाग इस बात की गवाही नहीं दे रहा था। वो दिल और दिमाग के बीच छिड़ी इस जंग में उलझ से गए थे। क्या रज्जो ही विनायक की ऋषु है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उस लड़की के छुअन के एहसास से ही विनायक का रोम रोम सिहर उठा था। वो इस एहसास को जानते थे, मगर उनका दिमाग इस बात की गवाही नहीं दे रहा था। वो दिल और दिमाग के बीच छिड़ी इस जंग में उलझ से गए थे। मगर वो कहते हैं ना, जहां दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ी हो तो उसमें अक्सर दिल हार जाता है और दिमाग जीत जाता है। शायद दिल को कॉम्प्रोमाइज करना आता है, मगर दिमाग को नहीं। उसका ईगो बहुत बड़ा होता है, जिसकी पकड़ में इंसान अक्सर जकड़ा रहता है। यहाँ भी वही हुआ था। दिल और दिमाग के बीच छिड़ी इस जंग में दिमाग जीत गया और दिल हार गया था। विनायक के वहां से जाने के बाद ठकुराइन रज्जो के पास गई और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको सब ठीक होने का इशारा करके वहां से चली गई। इधर देवी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करके गेट के अंदर आ रहा था, तभी उसकी नजर जूली पर पड़ी, जो कि बकरी के बच्चों के साथ कभी अपना चश्मा उतार कर तो कभी चश्मा पहनकर काफी सारी सेल्फी ले रही थी। जूली को ऐसे देखकर देवी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों जूली को देखने से ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। देवी को जूली की क्यूटनेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, फिर उसके कदम अपने आप ही जूली की तरफ बढ़ गए। अब तक जूली ने काफी सारी सेल्फीज क्लिक कर ली थी और शायद वो उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर रही थी, इसीलिए उसका ध्यान सिर्फ अपने मोबाइल पर था और उसे देवी के वहां आने का कुछ पता नहीं था। जूली को फोन में बिजी देखकर देवी काफी ज्यादा चिढ़ गया। फिर वो जूली का ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोला, किसी ने शायद सच ही कहा है कि समान आचरण वाले एक दूसरे के मित्र होते हैं। देवी की बात सुनकर जूली अपना मोटे फ्रेम का चश्मा सही करते हुए बोली, तुम यहाँ? फिर कुछ देर रुककर बोली, जो तुमने अभी कहा उसका मतलब? जूली की बात सुनकर देवी के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। आखिर उसे जूली को परेशान करने का मौका जो मिल गया था। जूली की बात सुनकर देवी अपने फोन को जेब में रखते हुए जूली के पास जाकर बकरियों की ओर इशारा करते हुए बोला, इन सबके बीच रहकर तुम भी बिल्कुल इन्हीं की जैसी हो गई हो, और वैसे भी बंदर जैसी आंखें और ऊपर से हाथी जैसा शरीर, कौए जैसी गर्दन जो हर वक्त इधर उधर हिलती डुलती रहती है, बिल्कुल सही जगह आई हो। आओ चलो, मैं तुम्हें इन्हीं गाय भैंसों के बीच बांध देता हूँ, आराम से रहना अपनी सहेलियों के बीच। इतना बोलकर वो हंसने लगा। उसकी ये बात सुनकर जूली को गुस्सा आ गया और वो तुरंत ही उसकी कॉलर पकड़कर खुद के करीब करते हुए बोली, तुम सिंगल बैटरी, तुम्हें बड़ा पता है, लगता है फॉरेन में जानवरों के बीच ही रहे हो, खरबूजे कहीं के। जूली के इस तरह से खुद की कॉलर पकड़कर घसीटने से देवी उसके चेहरे के करीब आ गया और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। इस वक्त देवी जूली के होठों को देख रहा था, जो कि बार बार कुछ बोलते हुए हिल रहे थे। देवी का मन कर रहा था वो अभी इसी वक्त जूली को किस कर ले, मगर वो जैसे तैसे खुद को संभाले हुए था। अचानक ही जूली को एहसास हुआ कि वो जाने अनजाने में देवी के कितने करीब आ गई है। इस वक्त देवी की सांसें जूली को अपने चेहरे के ऊपर महसूस हो रही थी। जब जूली ने अपना सिर उठाकर देवी को देखा तो उसकी आंखें देवी की आंखों से जा मिली। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में लगभग खो से गए। चश्मे के अंदर से घूरती हुई जूली की आंखें उसे कोई गुस्ताखी करने को मजबूर कर रही थी, मगर कुछ तो था जो उसे रोके हुए था। वहीं जूली उसकी कॉलर को पकड़कर झिझोड़ते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो? अगर तुमको ठीक से बात करनी ही नहीं होती है
तो क्यों चले आते हो हर बार मुझे नीचा दिखाने के लिए? हाँ माना मैं मोटी हूँ, भद्दी दिखती हूँ, बाकी लड़कियों के जैसे खुद को मेंटेन नहीं रख पाती, मोटे फ्रेम का चश्मा लगाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती। ये बात बोलते बोलते जूली की आंखें नम हो गई। इधर देवी अचानक हुए इस हादसे से बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे गलती हुई किधर। उसने तो बॉडी शेमिंग या फिर किसी और तरह से उसको नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं की। फिर ये बिना तिनके के आग कहां से भड़क उठी? ये खरबूजा कुमारी अचानक से उदास कुमारी में कैसे बदल गई, जबकि थोड़ी देर पहले तो सब कुछ सही था। देवी ये सब सोच ही रहा था कि तभी जूली की आंखों से निकली एक आंसू की बूंद उसके हाथ पर जाकर गिर गई। अपने हाथों में कुछ गीला सा महसूस करके देवी ने जब जूली को देखा तो पाया उसकी आंखें मोटे मोटे आंसुओं से लबालब भरी थी। ये देखकर देवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बेशक उसे जूली को टीस करने में, उसे छेड़ने में मजा आता था, पर आज उसके आंसू देखकर देवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शायद उसे जूली से हमदर्दी हो रही थी। वो जल्दी से जूली के पास आया और उसके गाल पर हाथ रखकर उसके आंसुओं को उसकी टी शर्ट से पोंछते हुए बड़ी हैरानी से बोला, अरे अरे मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा यार कि तुम मोटी हो, भद्दी दिखती हो, मॉडल्स की तरह तुम्हारा फिगर नहीं है, तुम एक नंबर की झल्ली हो, ऐसा कुछ तो मैंने कहा भी नहीं। फिर देवी आगे कुछ और कहने वाला था कि तभी उसके कान में जूली की दहाड़ मारकर रोने की आवाज सुनाई पड़ी और फिर वो रोते हुए बोली, देखा तुमने, भले ही पहले ना कहा हो मगर तुम्हारा मतलब तो यही निकला था ना, और तब ना सही मगर तुमने अब तो कह दिया, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा। आई हेट यू, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। इतना कहकर जूली देवी के ऊपर अपने हाथ पैर चलाने लगी। वहीं जूली की बात सुनकर देवी ने अपना सिर पीट लिया। वो यही सोच रहा था कि क्या है ये लड़की, मतलब किस सेंस से इसने ये बात कह दी। पहले देवी को सिर्फ शक था कि लड़कियों का दिमाग उनके घुटनों में होता है, मगर आज जूली की हरकत ने देवी के शक को यकीन में बदल दिया कि वाकई में लड़कियों का दिमाग उनके घुटनों में ही होता है। उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि लड़कियों के पास दिमाग होता ही नहीं है, हर छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती हैं। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं। देवी जूली को समझाते हुए बड़े ही प्यार से बोला, अरे यार तुम क्यों डीमोटिवेट हो रही हो, तुम बाकी सब लड़कियों से बिल्कुल अलग हो, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी ये मासूमियत ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। क्यों तुम बेफालतू की बात पर अपनी खूबसूरत आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू बहा रही हो? देवी की बात सुनकर जूली की आंखों में चमक आ गई और वो अपना रोना भूलकर बड़े ही एटीट्यूड से अपने कर्ली बालों के ढेर को एक झटके में पीछे ढकेल कर खड़े होते हुए बोली, तारीफ के लिए शुक्रिया, पर हाँ मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए चीपी लाइन कहीं किसी और लड़की पर ट्राई करना, शायद वो पट जाए, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। इतना कहकर जूली वहां से अपनी कमर मटकाते हुए चली गई। वहीं देवी अपना मुंह खोले इस ड्रामेबाज और शातिर लड़की को जाते हुए देख रहा था। एक नंबर की नौटंकी थी ये लड़की, क्या ये सब उसका एक ड्रामा था उससे अपनी तारीफ करवाने का? ये ख्याल आते ही देवी अपनी जगह से खड़ा हो गया और जूली को पीछे से ही चिल्लाते हुए बोला, ए छिपकली, गिरगिट कहीं की शातिर चुड़ैल, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, और हाँ जो मैंने तुम्हारे लिए तारीफों के पुल बांधे थे वो सिर्फ एक झूठ था, मगर तुम जैसी बेवकूफ लड़की ने इसको सच मान लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आखिर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। ये बात देवी ने जूली को गुस्सा दिलाने के लिए कही थी, लेकिन उसको गुस्सा तो तब आता ना जब उसने कुछ सुना होता। देवी जूली की तरफ से रिस्पॉन्स ना मिलने पर अपना पैर पटक कर रह गया। रात के 2 बजे उसी हवेली के एक कमरे में एक आदमी मास्टर कुर्सी पर अपने पैर पर पैर चढ़ाए बैठा था।
इस वक्त कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। सिर्फ उस आदमी के सिर के ऊपर एक येलो डिम लाइट जल रही थी, जो माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। उस आदमी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं उसके सामने तीन लोग अपना सिर झुकाए खड़े थे, जो कि कुछ बोल रहे थे, जिसे सुनकर उस आदमी के चेहरे के हाव भाव गुस्से में बदलने लगे। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि त्रियम था। इस वक्त त्रियम का चेहरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा था। त्रियम के सामने राणा जी, देवी और नाग सिर झुकाए खड़े थे। आज त्रियम अपने असली डार्क ऑरा में था। तभी राणा जी अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोले, छोटे बाबा, इस बार अफीम की खेती बहुत कम हुई है और हमारी रायपुर की शराब की फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। राणा की बात सुनते ही त्रियम की आंखें कठोर हो गई। दरअसल त्रियम सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए ही सब्जियों की खेती करवाता था, मगर असल में वहां सब्जियों के बजाय अफीम की खेती की जाती थी। फिर बाद में उसी हवेली के बेसमेंट में उन पर कुछ शोध करके उन्हें फाइनल टच देकर ड्रग्स का रूप दिया जाता था। प्रियम जैसा खुद को अपने घर वालों और अदिति के सामने दिखाता था, असल में वो सब एक झूठा दिखावा था। प्रियम का असली चेहरा सिर्फ दादा, देवी, नाग, राणा ही जानते थे। प्रियम ने अपनी बंदूक का निशाना राणा के सिर पर करके नाग को कुछ इशारा किया। इशारा पाते ही नाग तुरंत वहां पास ही फलों की टोकरी में रखे सेब को उठाकर लाया और उसको राणा के सिर पर रख दिया। ये देखकर राणा का पसीना छूटने लगा, मगर फिर भी उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, क्योंकि त्रियम को डरने और रोने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। फिर राणा की बात सुनकर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, क्यों राणा, लगता है तुम्हें अपनी फैमिली प्यारी नहीं। इतना कहकर त्रियम ने एक ही गोली में राणा के सिर पर रखे सेब के चिथड़े चिथड़े कर दिए। गोली चलने की आवाज सुनकर मानो सभी की सांसें ही रुक गई। यहाँ तक कि आज देवी को भी अपने भाई से डर लग रहा था। वो जानता था कि जब उसके भाई को गुस्सा आता है, तब वो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। गोली के चलते ही राणा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, मगर तभी उसके कानों में त्रियम के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वो हंसी कोई नॉर्मल नहीं थी। उस हंसी को सुनकर वहां खड़े सभी इंसानों की रूह तक कांप गई। क्या होगा जब अदिति त्रियम का असली रूप देखेगी? क्या वो तब भी त्रियम से इतना ही प्यार करेगी जितना अभी करती है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। फिर त्रियम राणा को अपनी खतरनाक नजरों से घूरते हुए डरावनी आवाज में बोला, राणा, तुम मेरे वफादार हो, इसीलिए गलती होने पर भी यहाँ सही सलामत खड़े हो, वरना तुम्हारी लाश भी तुम्हारे घर वालों को नसीब नहीं होती। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगली बार मेरी गोली और तुम्हारा सिर होगा। त्रियम की बात सुनकर राणा अपना पसीना पोंछते हुए वहां से जल्दी से निकल गए। राणा के जाने के बाद प्रियम की नजर अब देवी पर पड़ी, जो कि अपनी नजरें नीचे करके खड़ा था। देवी को देखकर प्रियम उसे घूरते हुए बोला, देवी, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है, इसी बीच तुम्हें उसका चैप्टर खत्म करना होगा। प्रियम की बात सुनकर देवी हां में सिर हिलाते हुए बोला, जी भाई। इतना बोलकर वो वहां से निकल गया। फिर नाग ने त्रियम को कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर त्रियम मानो पागल सा हो गया। वो अपनी चेयर से गुस्से से उठा और वहां से निकल गया। इस वक्त त्रियम बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी लाल आंखें उसे हैवानी लुक दे रही थी। त्रियम हवेली से बाहर निकला और तुरंत अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। त्रियम की कार के जाने के कुछ देर बाद एक साया आया। उसने अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से कवर कर रखा था। उसके चेहरे पर लगा ब्लैक मास्क उसको रहस्यमयी लुक दे रहा था। वो साया भी डेविल स्माइल करते हुए वहां से निकल गया। कुछ ही देर में त्रियम की कार एक पुरानी बावड़ी के पास आकर रुकी। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे, इसीलिए हर जगह सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा ही पसरा हुआ था।
उस सन्नाटे में रूह को कपा देने वाली शांति पसरी हुई थी। कुछ ही देर में त्रियम के हाथ में एक तेज धारदार चाकू थी और उसके सामने एक लड़की थी जो कि बेहोशी से जमीन पर पड़ी हुई थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही मॉल वाली ही थी जो शुरुआत में त्रियम को जहर देकर मारने आई थी और उसकी उंगली त्रियम ने काट दी थी। दरअसल ये लड़की त्रियम की कॉम्पिटिटर गैंग ब्लैक डेविल से थी। ब्लैक डेविल के साथ त्रियम एक डील साइन करना चाहता था, क्योंकि अगर ये डील साइन होती तो ब्लैक डेविल को ब्लैक ईगल के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती और फिर इसी पार्टनरशिप के जरिए त्रियम अपने ड्रग्स और देसी शराब को इंडिया से बाहर पहुंचा सकता था। मगर ब्लैक डेविल ने त्रियम के साथ इस डील को करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से त्रियम बौखलाया हुआ था और उसे करोड़ों का नुकसान भी हुआ था। त्रियम अपने सामने जमीन पर बेहोश पड़ी लड़की को शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा, फिर नाग को कुछ इशारा किया। नाग इशारा पाते ही एक बाल्टी ठंडा पानी लेकर आया और उस लड़की पर डाल दिया। पानी पड़ते ही वो लड़की हड़बड़ा कर उठ गई और अपनी अधखुली नजरों से अपने सामने बैठे इंसान को देखने लगी। जैसे ही उसे कुछ समझ आया कि उसके सामने कौन बैठा है, उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखने लगा। उस लड़की की आंखों में डर देखकर त्रियम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो तिरछी स्माइल करते हुए बोला, वेलकम बैक स्वीट हार्ट। त्रियम की गुस्से से भरी आवाज सुनकर वो लड़की कांपने लगी। उसको कांपता देख त्रियम जोर से हंसने लगा, फिर एकदम से शांत होकर उस लड़की के बालों को जोर से पकड़कर अपने एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है? हाँ, मैंने कहा था ना तुझसे कि गलती से भी दोबारा मेरे सामने मत आना, और तूने फिर से वही गलती की। इस वक्त उस लड़की के मुंह से डर की वजह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। ये देखकर त्रियम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अचानक ही उस लड़की की गर्दन पर एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया, जिससे वो लड़की वहीं बेहोश हो गई। फिर त्रियम ने नाग को कुछ कहा और वो उस लड़की को लेकर वहां से निकल गया। त्रियम उस लड़की को जाते हुए देख रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था। कुछ ही देर में त्रियम हवेली के लिए निकल गया, मगर वो इस बात से अनजान था कि वो साया भी त्रियम की हर हरकत पर अपनी नजर रख रहा था। वो साया बेहद ही शांत था। इस वक्त उसके चेहरे पर क्या इमोशन थे, उस साये ने एक नज़र उस डरावनी जगह को देखा और फिर उस जगह की जमीन पर जहां पर काफी सारा खून पड़ा हुआ था और सभी के चले जाने के बाद अब कुत्ते उसको चाट चाट कर साफ कर रहे थे। उस साये की आंखें झील जैसी बेहद ही गहरी और ठंडी थी। उस जगह के निचली छोर पर एक गहरे पानी का तालाब था और उस तालाब तक पहुंचने के लिए ढेर सारी सीढ़ियां बनाई गई थी। वो साया सभी के चले जाने के बाद वहां से बाहर निकल कर आया और फिर उसी बावड़ी के नजदीक जाकर सीढ़ियों से उतरते हुए ही नीचे की तरफ बैठ गया और पानी में अपने अक्स को ढूंढने की नाकाम कोशिश करने लगा। एक तो अंधेरा काफी सया था, ऊपर से उस साये ने अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था। कुछ देर बाद उस साये ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो उसके चेहरे पर उसकी रेशमी जुल्फे यहाँ वहाँ बेतरतीबी से बिखर गई। ये साया एक लड़की थी जो कि बला की खूबसूरत थी। बनाने वाले ने उसे बड़े ही फुर्सत से बनाया था। वो लड़की आसमान में चांदनी बिखेरने वाले तारों से घिरे हुए उस चांद को देख रही थी जो कि अधूरा था, मगर फिर भी अपने अधूरेपन के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था। शायद उस साये की जिंदगी भी इस चांद की तरह ही थी। आसपास फैला हुआ ये सन्नाटा और गहरा अंधेरा उसकी खाली जिंदगी को बयां कर रहा था। वो लड़की आसमान में चांद को देखते हुए खुद से ही बोली, क्या हो तुम, पल में कुछ और तो पल में।
वो इस बात से अनजान था कि अनजाने में ही वो अदिति के बहुत करीब आ गया था और उसकी गर्म सांसें अदिति के गले पर पड़ रही थी। अपने ऊपर किसी की मौजूदगी का एहसास पाते ही अदिति ने अपनी आंखें खोल दी और अपने सामने त्रियम को इतने करीब देखकर शॉक्ड हो गई, मगर फिर भी वो सोने की एक्टिंग करने लगी। इस वक्त वो देखना चाहती थी कि त्रियम उसके साथ क्या करना चाहता है। ऐसा कुछ सोचते ही अदिति के बदन में सिहरन सी दौड़ गई। अदिति को पेंडेंट पहनाने के बाद त्रियम उससे अलग हुआ और फिर उसको देखने लगा, जिसकी पलकों में थोड़ी बहुत हलचल हो रही थी। ये देखकर त्रियम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। फिर उसने अदिति के पेंडेंट को देखा जो कि उसके गले के बीचों बीच रखा हुआ था। ये देखकर त्रियम ने अदिति को एक्साइट करने के लिए उस पेंडेंट के स्टोन पर एक जोरदार किस कर दिया। इस किस से अदिति की आंखें खुल गई और उसके हाथों की पकड़ अचानक से त्रियम के कंधे पर आ गई, क्योंकि त्रियम ने जानबूझकर उस स्टोन से थोड़ा हटकर अदिति की उस जगह पर किस किया था ताकि वो अपना सोने का नाटक करना बंद कर दे। अदिति को जैसे ही अपने ऊपर त्रियम के होठों की छुअन महसूस हुई, उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी। और फिर जैसे ही त्रियम अदिति से दूर हटने को हुआ कि तभी उसने तुरंत ही त्रियम को पलटकर अपने नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर आ गई। अदिति की इस हरकत से त्रियम के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। फिर वो उसको देखते हुए बोला, मतलब तुम सोने का नाटक कर रही थी? अदिति त्रियम की आंखों में देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बोली, मैं तो सो रही थी, मगर तुमने ही मुझे जगाकर मेरी नींद में खलल डाला है। अब मैं भी तुमसे बदला लेकर तुम्हारे अंदर के हैवान को जगाऊंगी। इतना कहकर अदिति शैतानी मुस्कुराहट पास करने लगी। अदिति की बात सुनकर त्रियम उससे बोला, ओह, तो तुम मुझे स्वीट टॉर्चर करने वाली हो, मगर मेरा अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, मैं इतनी जल्दी बहकने वालों में से नहीं हूँ। त्रियम की बात सुनकर अदिति त्रियम के होठों की तरफ झुकते हुए बोली, ओह, तो ऐसा है, लेट्स चेक इट। इतना कहकर अदिति ने त्रियम के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया और फिर उसको किस करने लगी। त्रियम ने जैसे ही अदिति को जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही उसकी आवाज़ उसके गले में फंस गई, क्योंकि अदिति ने अपने होठों को त्रियम के होठों पर रखकर ब्लॉक कर दिया था। अब अदिति त्रियम के होठों को बेतहाशा चूमे जा रही थी और त्रियम बस अपनी जगह जमा हुआ था। त्रियम को रिएक्ट ना करते देखकर अदिति ने उसके होठों पर जोर से काट लिया। अदिति के काटने से त्रियम अपने होश में आया और उसको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगा, मगर अदिति अपनी जगह से हिली तक नहीं। उल्टा वो त्रियम को और भी ज़्यादा डीप किस करने लगी। किस करने के साथ ही साथ अदिति अपने हाथों को त्रियम के ऊपर इधर उधर फिराने लगी। अदिति की हरकत से त्रियम भी अब अपने ऊपर से कंट्रोल हो रहा था। मजबूर होकर वो भी अदिति की किस में उसका साथ देने लगा। कौन थी वो लड़की जो त्रियम का पीछा कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे, जैसे रेगिस्तान की गर्मी में तपे हुए प्यासे को पानी ना मिलकर सीधा ठंडा और मीठा शरबत मिल गया हो। अदिति के हाथ अब त्रियम के गले को छोड़कर उसके शरीर पर यहाँ से वहाँ चल रहे थे, तो वहीं त्रियम के हाथ अदिति की पीठ पर चुटकी काट रहे थे। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के शरीर से निकलने वाली गर्माहट की तपिश में तप रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को मोहब्बत की बारिश में सरोबार कर देना चाहते थे। दोनों ही मदहोश होकर एक दूसरे को चूमने में लगे हुए थे। इस वक्त कोई भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। त्रियम अदिति के अंदर की बेचैनी और उसकी चाहत को साफ साफ महसूस कर सकता था। फिर वो त्रियम के होठों को छोड़कर उसकी भड़ी हुई धड़कनों को महसूस करते हुए शातिर मुस्कान पास करने लगी। फिर त्रियम के कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोली, कहा था मैंने, यू कांट रिज। इतना कहकर वो त्रियम के चेहरे को देखने लगी। वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए इधर उधर देखकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। फिर अदिति त्रियम का ध्यान अपनी तरफ करते हुए उसके चेहरे को घुमाकर उसकी आंखों में देखने लगी।
अदिति की इस हरकत से त्रियम की नजर वहां गई जहां वो देखना नहीं चाहता था। ये देखकर त्रियम ने अपनी नजरें जल्दी से हटा ली। अदिति को अंदाजा नहीं था कि त्रियम ऐसा कुछ करेगा, मगर जब उसने अपने आप को देखा तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए, क्योंकि वो इस वक्त पूरी कार्टून लग रही थी। और फिर वो त्रियम के ऊपर से उठकर उसके बगल में जाकर लेट गई ताकि वो अपने आप को कवर कर सके। अदिति की इस हरकत से त्रियम के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि अब उसे अदिति को टीस करने का मौका जो मिल गया था। वो तुरंत अदिति के ऊपर आकर उसकी गहरी आंखों में देखने लगा। इधर जूली अपने बिस्तर पर उलट पलट रही थी। उसकी नींद तो डेवी ने उड़ा रखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का बार बार उससे क्या वो उसको पसंद करता है। बस इसी ख्याल ने जूली के दिल की हलचलें बढ़ा दी थी। लेकिन तभी उसके अंतर मन से आवाज आई, अरे रुक जा जरा, इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ माना वो लड़का स्मार्ट तो बहुत है, मगर याद रख वो दिल लगाने के काबिल ही नहीं है। ऐसे लड़कों को एक बार नहीं बल्कि हजार बार परखना चाहिए। चल मान भी लिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो वो तो तेरे साथ तो हरगिज नहीं होगा। कहाँ वो और कहाँ मैं, उसके पीछे तो हजारों लड़कियां पागल होगी। फिर उस जैसे हैंडसम आदमी का टेस्ट इतना बुरा तो हरगिज नहीं हो सकता, जिसको ना ड्रेसिंग सेंस है ना ही कोई काबिलियत। एक पल को तो मैं अपनी आंखों की खूबसूरती से काम चला भी लेती, मगर उसमें भी ऊपर वाले को सुकून नहीं था, वहां भी मोटे फ्रेम का चश्मा छड़वा दिया। जूली के अंतर्मन ने उसे बहुत अच्छी तरह से धुतकारा था। जूली अपनी ही बातों से अपना सिर पीटते हुए बोली, क्या यार मैं भी ना कहां की बात को कहां ले गई। अगर इतनी देर पढ़ाई कर ली होती तो आज पूरे स्टेट में मेरा नाम होता, सिर्फ कॉलेज तक ही ना सिमटती बल्कि हर जगह मेरे। इस ख्याल ने तो जूली के रोंगटे ही खड़े कर दिए और उसकी आंखों में अलग चमक आ गई। जूली एक एम्बिशियस लड़की थी, उसके लिए प्यार मोहब्बत से ज्यादा उसकी पढ़ाई इम्पोर्टेंट थी। हाँ वो अदिति जैसी खूबसूरत बला के साथ रहती थी जिससे एक आधे लड़के उसको भी ताड़ते थे, जिससे उसको गुदगुदी मचने लगती थी। मगर यहाँ सीन थोड़ा अलग था। ये डेवी था, माफिया डेविल का छोटा भाई, मतलब उसकी पहुंच से बहुत दूर। उसको पाने का ख्वाब देखना उसके बस में ही नहीं था। जूली अपने ही ख्यालों में इस कदर उलझी हुई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो डेवी के बारे में इतना क्यों सोच रही है। बार बार जूली को डेवी का उसके करीब होना याद आ रहा था। वो खुद को उसके बारे में सोचने से रोक ही नहीं पा रही थी। बार बार वो खुद को उसके बिछाए हुए माया जाल में फंसते हुए महसूस कर रही थी। थक हार कर जूली अपने बिस्तर से उठी और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई ताकि वो अपना ध्यान डेवी से हटा सके। वो बाहर फैले अंधेरे को देख वो एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करती है और बगीचे से आ रही भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने लगती है। जूली ये सब महसूस कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसको अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। ये एहसास होते ही जूली ने तुरंत अपनी आंखें खोली और पीछे पलटी तो पाया कि देवी उसके सामने खड़ा उसी को ही इंटेंस नजरों से देवी को यूं आधी रात में अपने इतने करीब देखकर जूली तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। देवी ने तुरंत ही जूली की कमर में हाथ डालकर उसको अपने करीब कर लिया। इस वक्त जूली देवी की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। इसी एहसास में जूली की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। उसका दिमाग देवी की पकड़ से छूट जाने को कह रहा था, मगर दिल चाह रहा था कि उसके गले लगकर उसमें ही समा जाए। दिल और दिमाग की इस जंग में दिल जीत गया, मगर फिर भी वो देवी की बाहों में कसमसा रही थी। देवी जूली को इस तरह संघर्ष करता देख मुस्कुरा दिया और फिर उसके कान के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, तुम सच में बहुत ही ज्यादा हॉट हो, कैन आई किस यू। इतना बोल देवी जूली के जवाब का इंतजार किए बिना ही उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। पहले तो जूली को समझ नहीं आया कि अचानक अभी अभी क्या हुआ, मगर अपने सेंसेस में आते ही जूली खुद को देवी से अलग करने लगी। मगर देवी तो जैसे जूली को छोड़ने के मूड में था ही नहीं, इसीलिए वो जूली को और भी ज्यादा डीप किस करने लगा। थक हार कर जूली भी देवी के एहसास में खो गई और उसका साथ पाकर उसके होठों को चूमने लगी।
दोनों ही इस किस को एंजॉय कर रहे थे। जूली के हाथ भी देवी के मजबूत फौलाद जैसे सीने पर थे, तो वहीं देवी के हाथ जूली की कमर पर थे। दोनों ही एक दूसरे के होठों को बस चूमे ही जा रहे थे। जूली अपनी आंखें बंद करके इस एहसास को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर जूली ने राहत की सांस ली कि ये सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन अब उसे खुद के ऊपर ही शर्म आ रही थी कि वो ऐसे कैसे उस जालिम के हाथों मजबूर हो सकती है, वो ये हरकत कैसे कर सकती है। लेकिन तभी उसे छत से नीचे गिरने वाला इंसिडेंट याद आया। ये सोचकर जूली की आंखों में खून उतर आया। वो खुद से बोली, उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मुझे छत से नीचे फेंकने की। थैंक गॉड ये सपना था, वरना हकीकत में आज मेरी तस्वीर पर फूल पत्ती लटके होते। ये सोचकर जूली अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को संभालते हुए ऊपर देखकर भगवान से बोली, थैंक यू बाबा जी कि ये सब बस एक सपना था, वरना आज तो मेरी आत्मा परमात्मा से मिल जाती। फिर जूली अपना पसीना पोंछते हुए बेड से टेक लगाकर खुद से ही बोली, सिर्फ एक दिन उसके पास रही और देखो कैसे कैसे सपने आने लगे। मुझे उस सिंगल बैटरी से दूर ही रहना पड़ेगा, वरना मैं उसके चार्म में अंधी होकर अपना सब कुछ लुटा बैठूंगी। फिर जूली देवी के फेस को और उसकी किस को याद करते हुए बड़े ही खोए हुए लहजे में बोली, वैसे कुछ भी कहो, लड़का है तो बड़ा हॉट। फिर जूली अपने आप को करेक्ट करते हुए बोली, नहीं नहीं हॉट नहीं, हॉटनेस की दुकान, उफ क्या लगता है यार, बिल्कुल ताजमहल जैसा। अब पता नहीं उस ताजमहल के अंदर कितनी मुमताजें दफन होगी। इतना बोलकर जूली अपना सिर झटक कर हनुमान चालीसा पढ़कर सो गई, क्योंकि उसके लिए देवी किसी भूत से कम नहीं था। इधर अदिति के त्रियम से दूर हटते ही त्रियम अदिति के ऊपर आ गया। त्रियम की इस हरकत से अदिति की सांसें तेज हो गई। त्रियम ने बिना वक्त गवाए अदिति के होठों पर फिर से अपने होठ रख दिए। अपने होठों पर त्रियम के होठों की चुवन महसूस करते ही अदिति की आंखें बंद हो गई। दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगे। क्या देवी और जूली भी एक दूसरे को चाहने लगेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
अदिति के हाथ त्रियम के बालों में चल रहे थे। जब त्रियम ने देखा कि अदिति को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो उसके होठों को छोड़कर गले को चूमने लगा। त्रियम की इस हरकत से अदिति के हाथों की पकड़ उसके कंधों पर कस गई। त्रियम का एक हाथ अदिति की गर्दन पर था तो वहीं दूसरा हाथ अदिति की कमर पकड़े हुए था। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए और अदिति थक जाने की वजह से त्रियम के ऊपर सर रखकर सो गई। उसके सो जाने के बाद त्रियम अदिति के चेहरे को देखने लगा जिस पर बहुत सारा सुकून दिखाई दे रहा था। त्रियम अदिति के बालों की एक लट को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, बी स्ट्रॉन्ग बेबी, कल का दिन तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। यू शुड प्रूव दैट यू आर माई लवर एंड रिमेंबर वन थिंग, आई विल ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड यू। इस वक्त त्रियम की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कल कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है जिसके लिए वो पहले से ही अदिति को तैयार कर रहा है। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे तभी ठकुराइन टेबल पर मौजूद सभी लोगों को देखते हुए बोली, बच्चों आप लोग घर में रहते रहते बोर हो गए होंगे तो क्यों ना आप सभी हिल स्टेशन घूमाओ। रायपुर की पहाड़ी यहाँ से पास में ही है और वहाँ की वादियाँ बहुत ही सुंदर हैं। ठकुराइन की बात सुनकर राणा ने तिरछी नजरों से त्रियम को देखा पर वो तो अपने खाने में मस्त था। ये देखकर राणा ने चैन की सांस ली फिर वो भी ठकुराइन की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, ठीक है अगर बच्चों की हाँ है तो फिर चलते हैं, वैसे भी बरसात का मौसम है बाहर, आप सबको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, आप लोगों को वहाँ का माहौल और वादियाँ बहुत पसंद आएंगी, बस ज़रा संभल कर जाइएगा। हालांकि हमारी सिक्योरिटी आपके साथ ही रहेगी मगर फिर भी अपनी सुरक्षा अपने हाथों ज़्यादा बेहतर की जा सकती है। राणा की बात सुनते ही अदिति और जूली की आंखों में चमक आ गई और वहीं त्रियम अदिति के चेहरे को देख रहा था जिस पर उसको एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। त्रियम अदिति की एक्साइटमेंट देखकर देवी की तरफ देखते हुए बोला, देवी तुम थोड़ी देर बाद निकलने की तैयारी करो, हम आज ही घूमने जाएंगे। फिर त्रियम राणा की तरफ देखते हुए बोला, राणा काका। त्रियम की आवाज सुनते ही राणा जो चम्मच से दही खा रहे थे उनके हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचा। वो अपनी हड़बड़ी को छिपाते हुए खुद को नॉर्मल करके त्रियम की तरफ देखकर बोले, जी छोटे मालिक। त्रियम नॉर्मल मगर सख्त आवाज में बोला, प्लीज आप हमारे जाने का इंतजाम करें। इतना बोलकर त्रियम मुंह पहुंचकर वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। सब लोग त्रियम को वहां से जाते हुए देख रहे थे। वहीं घूमने जाने की बात सुनकर जोया के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई थी। वो जिस मौके की तलाश में थी शायद उसे आज ही वो मौका मिलने वाला था। इधर त्रियम के जाने के बाद देवी ने राणा को कुछ इशारा किया और फिर वो भी वहां से उठकर त्रियम के पीछे चला गया। कुछ देर बाद राणा भी वहां से उठकर चले गए। जोया को आउटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो सिर्फ त्रियम के करीब रहकर उसकी जिंदगी से अदिति को बाहर निकाल फेंकना था। जोया अपना प्लान पहले से तैयार कर चुकी थी और आज उस प्लान को अंजाम देने का वक्त भी आ गया था। जोया खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे में गई और किसी को फोन करके अपना आज का प्लान समझाने लगी। फिर जोया फोन को देखते हुए शातिर स्माइल करते हुए बोली, अदिति अदिति तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे त्रियम को इतनी आसानी से छीन लोगी? नेवर, ही इज ओनली माइन। इधर त्रियम के यूं अचानक चले जाने पर अदिति को कुछ अजीब लग रहा था। वो उसी दिशा में देख रही थी जहां से अभी वो गया था। खासकर आज अदिति को राणा का बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा था। कल तक तो राणा के चेहरे पर एक अलग ही रोब दिख रहा था मगर आज उनका चेहरा मुरझाया हुआ था और उनकी बातों में खनक भी कुछ कम लग रही थी। अदिति सब कुछ समझने के लिए वहां मौजूद हर एक शख्स के फेस एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे तो यहाँ मौजूद सभी लोग बड़े ही मिस्टीरियस नजर आ रहे थे। अदिति सब कुछ देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में ठकुराइन की आवाज सुनाई पड़ी जो कि
उसकी ही तरफ अपनी पैनी नजरों से देख रही थी। अरे अदिति बिटिया, आओ हम तुम्हें मट्ठा, अरे जिसको तुम शहरी लोग छाछ बोलते हो, वो पिलवाते हैं। देख लीजिएगा, उसको पीते ही आपका मन खुशी से चहकने लगेगा, शरीर में एक अलग तरह की एनर्जी आ जाएगी। ठकुराइन की बात सुनकर अदिति कुछ बोलती उससे पहले ही जूली थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए अपना चश्मा सही करके बोली, अरे आंटी क्या सब इसी को पिला दोगी? अरे हम भी घूमने ही आए हैं, वो भी आपके बुलावे पर। अदिति को इतनी इम्पोर्टेंस देकर हमारी सरेआमियों बेइज्जती तो ना करो। ऐसा लग रहा है जैसे एक अदिति ही सिर्फ यहाँ मेहमान है, बाकी हम तो यहाँ है ही नहीं। जूली ने ये बात अपना मुंह बनाते हुए कही थी, जिसको देखकर ठकुराइन हंसती और उनके दांत दिखने लगे, जो कि पान खाने की वजह से बहुत ही ज्यादा लाल थे। ये देखकर अदिति जूली के कान में फुसफुसाते हुए बोली, अभी ये क्या कर दिया, ये बगैर हंसे ही अच्छी लगती है, देख रही हो हंसते हुए कैसे इसके लाल दांत बाहर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कितनों का खून पी कर आई है। अदिति की बात सुनकर जूली उसकी तरफ देखने लगी, वजह चाहे जो भी हो मगर इस बार अदिति ने यह बात बिल्कुल सही कही थी। काफी सोच विचार करने के बाद जूली भी अदिति की तरफ थोड़ा झुकते हुए बोली, बात तो तुम्हारी सही है, कहीं सच में ये औरत किसी का खून पीकर तो नहीं आई और फिर बिना ब्रश किए ही यहाँ आकर बैठ गई, ताकि वो हमें भी अपने इन राक्षसी दांतों का खौफ दिखा सके। जूली की बात सुनकर अदिति जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही कह रही हो यार, कहीं ये औरत कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं, जो हमारी बलि चढ़ाने के लिए हमें छाछ का सहारा देकर उसमें घोलकर कुछ पिलाने वाली हो और हम उसे पीते ही बेहोश हो जाएं, फिर हमारी आंखें सीधा बलि देते वक्त ही खुलें, क्या पता तब तक खुले भी या ना खुले, कहीं ऐसा ना हो हम लोग सोते सोते ही निपट जाए। अदिति की बेतुकी बातें सुनकर जूली के माथे पर पसीना उभर आया। अभी रात को ही तो उसने इतना हसीन ख्वाब देखा था जिसमें सिर्फ किस ही हुई थी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। सपने में ही सही, पर जूली उस मोमेंट को जीना चाहती थी, ताकि मरने के बाद उसे कोई गिल्ट ना रह जाए, उसकी आत्मा उसे धुतकारे ना कि सिंगल गई थी और फिर सिंगल ही मरकर वापस भी आ गई। ये सब ख्याल आते ही जूली चौंकने के अंदाज में अदिति से बोली, अरे यार कुछ भी बोलती हो तुम, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ ना हो, हम लोग फालतू में ही इतना दिमाग लगा रहे हैं। अदिति अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बोली, और अगर ऐसा हुआ तो? जूली ब्रेड का टुकड़ा अपने मुंह में रखते हुए बोली, तो हम अपनी जगह इस चमन चमेली जोया को भेज देंगे, कह देंगे भूतनी आंटी इसके शरीर में खून भी ज्यादा है और हर जानवरों के गुण भी मौजूद है, ये है तो बिल्कुल सहरीली नागिन पर इसकी हरकतें किसी नेवली की तरह है और ये एक हाथी बिल्कुल भैंस की तरह है, इसके मुंह से निकलने वाली बातें बिल्कुल किसी बकरी की तरह है, इसीलिए बलि हमारी नहीं इसकी दो तो आपको फायदा ही ज्यादा होगा, और अगर फिर भी कुछ कम लगे तो इसकी जुबान काट देना, सारा जहर एक बार में ही निकल आएगा तो बलि ज्यादा सरदार होगी। जूली की बात सुनकर अदिति के दिल को कुछ सुकून महसूस हुआ, जो भी सेंस लगाया हो जूली ने, पर बलि के लिए जोया बिल्कुल परफेक्ट थी, दोनों ही आपस में इस तरह जुटी हुई थी कि उन्हें आसपास के वातावरण का बिल्कुल होश ही नहीं रहा, कहाँ की बात को इन लोगों ने कहाँ पहुँचा दिया था, हर चीज से बेखबर दोनों अपनी ही प्लानिंग में जुटी हुई थी। वहीं ठकुराइन इन दोनों पागल लड़कियों की बातों से अनजान रज्जो को आवाज लगाते हुए बोली, रज्जो, ए रज्जो, अरे कहाँ रह गई, जा जल्दी से माट की बर्तन ले आ। ठकुराइन की आवाज सुनकर रज्जो किचन से छाछ की बर्तन लाते हुए बोली, जी ठकुराइन माँ, बस ला ही रही थी। रज्जो की आवाज सुनते ही विनायक का दिल तेज रफ्तार से धड़कने लगा, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। इधर अदिति रज्जो की आवाज सुनकर उसी दिशा में देखने लगी जहां उसे एक लड़की
घाघरा चोली में नजर आ रही थी। उसने अपने सिर से एक लंबा घूंघट कर रखा था। उस लड़की को देखकर अदिति उसी की तरफ देखने लगी और रज्जो धीरे धीरे सभी को मट्ठा सर्व करने लगी। फिर जब अदिति ने रज्जो से ग्लास लिया तो उसके हाथों पर एक आंसू की बूंद आ गिरी। ये देखकर अदिति रज्जो के चेहरे को देखने की कोशिश करते हुए बोली, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? रज्जो अपने आप को संभालते हुए अदिति के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर अपनी छोटी बहन की याद आ गई, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही नटखट और शैतान थी। रज्जो की बात सुनकर ठकुराइन और अदिति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर अदिति रज्जो को देखते हुए कुछ याद करके बोली, दीदी क्या मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ? क्योंकि मेरी दीदी भी अगर आज जिंदा होती तो वो बिल्कुल आपकी तरह ही स्वीट और प्यारी होती। अदिति की बात सुनकर रज्जो खुद को रोक नहीं पाई और अदिति के गले लगकर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी छोटी बहन। इतना कहकर रज्जो ने अदिति के सिर को प्यार से चूम लिया। फिर वो अदिति से अलग होकर विनायक को देखने लगी जो उसी को एकटक देख रहे थे। ये देखकर रज्जो विनायक को ग्लास पास करते हुए बोली, ये लीजिए साहब। रज्जो से ग्लास लेने के दौरान विनायक का हाथ थोड़ा सा उसके हाथ से टच हो गया। हाथ टच होते ही विनायक को फिर से वो एक अलग एहसास हुआ और वो एकटक रज्जो के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगे। कुछ था जो उनके सीने में उबाल बनकर बाहर आने को बेताब था। किसी की यादें उनके जहन को बार बार छलनी कर रही थी, फिर भी किसी तरह वो अपने आप को और अपने एहसासों को कंट्रोल करके शांत बैठे थे। लबों पर तो मुस्कुराहट थी मगर सांसों में तूफान था। कुछ था जो उनके बहुत करीब होकर भी उनसे बहुत दूर था। तभी एक तेज हवा के झोंके से रज्जो का घूंघट हट गया और उसका चेहरा दिखने लगा। रज्जो का घूंघट हटते ही विनायक, जो कि छाछ पी रहे थे, उनके हाथ बीच में ही रुक गए। वो रज्जो का चेहरा देखकर शॉक्ड हो गए, तो वहीं अदिति को रज्जो का चेहरा काफी हद तक खुद से मिलता जुलता लग रहा था। विनायक रज्जो को देखते हुए बोले, रिशु। विनायक की बात सुनकर अदिति की आंखों के सामने अपनी बहन की धुंधली सी तस्वीर दिखने लगी और उसके भी मुंह से निकला, दीदी। क्या रज्जो ही अदिति की बड़ी बहन है या उनको कोई गलत फहमी हुई है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अदिति रज्जो का चेहरा देखते ही अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, दीदी। रज्जो अदिति के मुंह से दीदी सुनकर हड़बड़ा गई। वहां बैठे लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। विनायक को अब पूरा यकीन हो चुका था कि ये उनकी रिशु है जिसे वो बचपन से प्यार करते हैं। रज्जो वहां से जाने लगी तो अदिति उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, दीदी आपने मुझे पहचाना, मैं आपकी बहन अदिति, याद आया आपको? ये सुनकर रज्जो ने नजर उठाकर ठकुराइन को देखा तो उन्होंने अपनी पलकें झपका दी। उनका इशारा पाते ही वो अदिति के गले लगकर रो पड़ी। ठकुराइन उन सबके पास आते हुए बोली, आप सब हमारे साथ चलो, यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा। ठकुराइन के कहने पर रज्जो सबको लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर ठकुराइन बोली, मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ, तुम सबसे बात कर लो। इतना बोलकर वो बाहर से दरवाजा बंद करके खड़ी हो गई। अदिति जल्दी से आगे बढ़कर रज्जो के गले लगते हुए बोली, दीदी आप जिंदा हैं? पर कैसे दीदी, मम्मी कहाँ है? वो भी आपके साथ है? अदिति को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रज्जो उसे खुद से अलग करके उसे कंधे से पकड़ते हुए बोली, अदिति मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनके अलावा तुम किसी को भी नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। और फिर वो सबकी ओर देखते हुए बोली, आप सबसे भी मेरी विनती है, आप सब भी किसी से कुछ मत कहना। विनायक आगे आते हुए बोले, रिशु क्या बात है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? विनायक को देख रज्जो अपने दिल के जज्बातों को कंट्रोल करते हुए बोली, देखिए अभी मैं आप सबको कुछ नहीं बता सकती, बस इतना समझ लीजिए मैं सामने न आऊं, इसी में हम सबकी भलाई है।
विनायक रज्जो का हाथ पकड़ उसे अपने करीब करते हुए बोले, रिशु क्या बात है, प्लीज कुछ तो बताओ। रज्जो विनायक का साथ पाकर अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके गले लगकर रो पड़ी। विनायक रज्जो का सर सहलाते हुए बोले, रिशु शांत हो जाओ, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। रज्जो उससे सकते हुए विनायक से अलग होकर अदिति को देख कर बोली, अदिति इधर मेरे पास आओ। अदिति तुरंत ही रज्जो के पास आई तो रज्जो बोली, अदिति तुम किसी से मेरा जिक्र मत करना, क्योंकि हमारा कोई अपना ही है जिसने हमारे परिवार को मारने की कोशिश की थी, लेकिन राघवेंद्र अंकल ने किसी तरह मुझे बचा लिया, पर वो मम्मी को नहीं बचा पाए। इतना बोलकर रज्जो रोने लगी। विनायक और अदिति उसे संभाल रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और ठकुराइन अपना सर दरवाजे से अंदर लाते हुए बोली, जल्दी करो, सब आने ही वाले होंगे। रज्जो अपने आंसू पोंछकर बोली, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी जूली उन सबके पास आते हुए बोली, माफ करना, पर मुझे लगता है हम सबको बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अदिति तुरंत बोली, हाँ जूली सही कह रही है, पहले जूली और मैं निकलती हूँ। इतना बोलकर अदिति ने दरवाजा खोला तो सामने ठकुराइन खड़ी थी। ठकुराइन को देखकर अदिति ने मुंह बनाया और कमरे के बाहर आ गई। जूली भी अदिति के पीछे पीछे आ गई। अब कमरे में सिर्फ रज्जो और विनायक थे। विनायक रज्जो को देखते हुए बोले, रिशु क्या आपको हमारा एक बार भी ख्याल नहीं आया? क्या आप अपने प्यार को इतनी जल्दी भूल गई? रज्जो आंखों में आंसू लिए बोली, ऐसी बात नहीं है वीनू, बस मैं हालातों के आगे मजबूर थी। अंकल ने मुझे किसी के भी सामने आने से मना किया था। जब तक अंकल असली मुजरिम का पता ना लगा लें, तब तक वो मुझे किसी के भी सामने नहीं आने देना चाहते थे। ये सुनकर विनायक ने कुछ ना बोलकर रज्जो को गले लगा लिया। रज्जो ने भी इस एहसास को अपने अंदर महसूस करने के लिए आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो धीरे से बोली, अब हमें चलना चाहिए। उसके बोलने पर विनायक उससे अलग हुआ तो रज्जो उससे दूर होकर उसे देखते हुए बोली, आप जाओ, मैं अभी आई। विनायक उसकी बात सुनकर कमरे से बाहर निकलकर सीधे हॉल में आ गया, पर उसे वहाँ हॉल में कोई नहीं दिखा। विनायक समझ गया कि सब घूमने जाने के लिए हवेली के बाहर होंगे। वो हवेली के बाहर आया तो बाहर दो गाड़ियाँ खड़ी थी। आगे वाली गाड़ी के पास खड़ी अदिति और जूली सबका इंतजार कर रही थी। विनायक उन दोनों के पास आते हुए बोला, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर बैठो। विनायक की बात सुनकर अदिति पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई तो वहीं जूली पीछे सीट पर बैठ गई। तभी विनायक की नज़र बाहर आते हुए त्रियम और उसके पीछे आ रही जोया पर पड़ी। विनायक सबको आते देख ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही अदिति मुस्कुराते हुए विनायक से बोली, दीदी कहाँ है? विनायक हल्का सा शर्माकर बोला, वो आ रही होगी। इधर बाहर आ रही जोया ने जब विनायक और अदिति को गाड़ी में बैठे हंसते मुस्कुराते बात करते देखा तो मन ही मन बोली, हंस लो जितना हंसना है, वैसे भी आज का दिन तुम दोनों का आखिरी दिन होगा। वहीं त्रियम की नज़र जब अदिति और विनायक पर गई तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से में गाड़ी के पास गया और विनायक की ओर का दरवाज़ा खोल कर बोला, बाहर निकलो। उसके इस तरह से बोलने पर विनायक उसे देखने लगा तो त्रियम थोड़ी तेज आवाज में बोला, मैंने कहा बाहर निकलो। विनायक उसे गुस्से में देख तुरंत बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही त्रियम ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर फ्रंट मिरर से पीछे बैठी जूली को देखते हुए बोला, तुमसे अलग से बोलना पड़ेगा। उसके ऐसे बोलने पर जूली तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकल गई। अब गाड़ी में सिर्फ त्रियम और अदिति थे। त्रियम गुस्से में गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से सामने की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही जोया भागकर उसके पीछे आई, पर तब तक त्रियम दूर निकल चुका था। गाड़ी जाते देख जोया के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। इधर त्रियम गुस्से की वजह से गाड़ी काफी तेज स्पीड में चलाए जा रहा था। अदिति कुछ देर शांत रहने के बाद बोली, कार है, हेलीकॉप्टर नहीं जो उड़ाए जा रहे हो। त्रियम उसकी बात पर कुछ नहीं बोला तो अदिति गियर पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ? त्रियम उसकी बात पर चिढ़ते हुए बोला, उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठकर क्या बातें कर रही थी?
अदिति त्रियम को परेशान करने के लिए बोली, अरे बस कुछ पर्सनल बात थी जो सबको नहीं बताई जाती, आखिर वो मेरा फियांसे है। त्रियम गुस्से में स्पीड बढ़ाते हुए बोला, कुछ ज्यादा पर्सनल ही हो रहा था। अदिति सामने का रास्ता देखते हुए बोली, स्पीड कम करो त्रियम, आगे का रास्ता सही नहीं है और मुझे अभी मरने का कोई शौक नहीं है, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, फिर बच्चे। ये सुनकर त्रियम ने सामने देखा तो आगे का रास्ता वाकई में बहुत खराब था और दोनों ओर गहरी खाई थी। उसने गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए तुरंत ब्रेक लगाया, पर ये ब्रेक काम ही नहीं कर रहा था। त्रियम को बार बार कोशिश करते देख अदिति बोली, क्या हुआ? त्रियम ब्रेक लगाने की कोशिश करते हुए बोला, ब्रेक काम नहीं कर रहे, लग रहा है ब्रेक फेल हो गए। अदिति चिढ़ते हुए बोली, ऐसी गाड़ी रखते ही क्यों हो जिसमें ब्रेक ना हो? त्रियम उसको देखकर चिढ़ते हुए बोला, मुझे अच्छा लगता है बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। तभी अदिति की नजर सामने रास्ते पर गई तो वो चिल्लाते हुए बोली, सामने देखो। त्रियम ने देखा तो सामने एक अंधा मोड़ था और उसके आगे खाई थी। इससे पहले वो कुछ कर पाता, गाड़ी सीधा जाकर खाई में घिर गई और इसी के साथ एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार में आकर रुकी और उसमें से जोया जल्दी से बाहर आई। वो भागकर उस खाई के पास आई और तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, त्रियम। वो बार बार खाई में देखते हुए त्रियम का नाम पुकारे जा रही थी। थक हार कर वो घुटने के बल बैठकर रोते हुए बोली, त्रियम ये तुमने क्यों किया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आई एम सॉरी त्रियम, मैंने अदिति को तुमसे दूर करना चाहा पर तुम्हें खो दिया, सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। 2 घंटे पहले जोया नाश्ता करके अपने कमरे में वापस आई और अपनी माँ को फोन किया। कुछ घंटी जाते ही उधर से माया की नींद भरी आवाज आई, हाँ जोया बेटा कहो, कैसे इतनी सुबह सुबह याद किया? जोया हल्का नाराजगी से बोली, मॉम उठ जाइए, यहाँ मेरी रातों की नींद उड़ी पड़ी है और आप आराम से सो रही हैं। माया जी सीरियस होती हुई बोली, अब क्या हुआ? जोया चिढ़ते हुए बोली, मॉम मुझे समझ नहीं आता इस अदिति में ऐसा क्या है जो त्रियम उस पर ही अपनी नजरें गड़ाए रखता है। माया जी कुछ सोचकर बोली, इसका एक ही उपाय, तुम्हें इस लड़की को हमारे रास्ते से हटाना होगा। जोया कुछ सोचकर बोली, मॉम हम सब आज बाहर जा रहे हैं तो क्यों ना वहीं पर उसका काम तमाम कर दूं? माया जी मुस्कुराकर बोली, जाकर उसे किसी पहाड़ी से धक्का दे दो, वहीं मर जाएगी। जोया कुछ सोचकर बोली, मॉम क्यों ना मैं उसे बिना ब्रेक की गाड़ी में भेज दूं, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। माया जी ईवल स्माइल करते हुए बोली, बेस्ट आइडिया है, बस थोड़ा ध्यान रखना। जोया जल्दी से बोली, ठीक है मॉम रखती हूँ, अब मैं आपको गुड न्यूज के साथ ही कॉल करूंगी। इतना बोलकर जोया ने कॉल कट कर दी। प्रेजेंट टाइम जोया अभी पुरानी बात याद करके सोच रही थी कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तभी पीछे से एक और गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से देवी, जूली, राणा, रज्जो, विनायक सब जल्दी से बाहर निकले। जोया को वहां बैठे देख सब उसके पास आ गए। देवी इधर उधर देखते हुए बोला, जोया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी उसकी नजर खाई में जल रही गाड़ी पर गई। देवी गाड़ी देखकर तुरंत पहचान गया कि ये गाड़ी वही है जिसमें त्रियम और अदिति थे। देवी जोया का कंधा पकड़कर हिलाते हुए बोला, जोया भाई और अदिति कहाँ हैं? जवाब दो मुझे, जोया भाई और अदिति कहाँ हैं? इस बार उसकी आवाज में गुस्सा था। जोया अपनी सुध-बुध पूरी तरह खो चुकी थी। उसने रोते हुए उस खाई की ओर इशारा किया तो जोया का इशारा समझते ही देवी की पकड़ जोया के कंधों से ढीली हो गई और वहीं जमीन पर घुटने के बल गिर गया। रज्जो खाई की ओर बढ़ते हुए तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, अदिति अदिति। विनायक जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, रिशु कहाँ जा रही हो, संभालो खुद को, कुछ नहीं हुआ अदिति को, अभी हम उसे ढूंढ लाएंगे। रज्जो विनायक के गले लगकर रोते हुए बोली, अभी तो मुझे मेरी बहन मिली थी, भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया, अदिति अदिति। और एक तेज आवाज के साथ रज्जो वहीं बेहोश हो गई।
विनायक उसे गोद में उठाकर गाड़ी के पास ले गया। इधर डेवी घुटने के बल बैठा रोए जा रहा था। जूली से उसका रोना देखा नहीं क्या? उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर डेवी के कंधे पर हाथ रखा तो डेवी उसके पैरों से लिपट गया। जूली उसका हाथ हटाकर खुद उसके पास बैठ गई और उसे कसकर गले लगा लिया। डेवी जूली के गले लगकर रोते हुए बोला, ये सब मेरी गलती है, मुझे इस बारे में ध्यान देना चाहिए था। मुझे सब पता था, फिर भी मैंने भाई को कुछ भी नहीं बताया और जिसका नतीजा ये है कि आज मैंने अपने भाई और भाभी को खो दिया। तभी राणा देवी के पास आते हुए बोले, हमें नीचे जाकर उन्हें खोजना चाहिए देवी। देवी अपने आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ हाँ। इतना बोलकर वो खाई की ओर जाने लगा तो जूली उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, इतनी नीचे खाई में कैसे जाओगे? पुलिस को फोन करो, उन्हें बुलाओ, हम तभी साथ में जाकर उन्हें ढूंढ पाएंगे। देवी ने जल्दी से फोन निकालकर पुलिस का नंबर डायल किया तो कुछ ही देर में पुलिस के खोजी दस्ते की पूरी टीम खाई में जाकर उन्हें खोजने लगी। पुलिस को आग में पूरी तरह जली हुई गाड़ी तो मिली पर उसमें त्रियम या आदित्य का नामो निशान नहीं था। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। क्या त्रियम और आदित्य अभी भी जिंदा है या खाई में गिरने की वजह से वो अब नहीं रहे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दो दिन बाद त्रियम का घर। पूरे घर में दिल को चीर देने वाली शांति थी। हॉल के बीचों बीच त्रियम और अदिति की फोटो रखी थी और उस पर ताजे फूलों की माला छड़ी थी। वहीं कुछ दूरी पर सफेद कपड़े पहने रणविजय और दादा बैठे थे। उनके पीछे कुछ और लोग बैठे थे जिन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे थे। जूली कमरे से निकलकर देवी को ढूंढने लगी। उसे आज सुबह से ही वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी रीशु त्रियम की माँ को लेकर बाहर हॉल में आई। दादा उन्हें देखकर अपनी जगह से उठे और उनके पास जाते हुए बोले, आप बाहर क्यों आई? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। प्रिया जी उन्हें इग्नोर करके धीमे कदमों से त्रियम और अदिति की फोटो के पास आ गई। वो फोटो के सामने पहुंचकर त्रियम की फोटो पर हाथ फेर कर रोने लगी। दादा उनके पास आकर उन्हें कंधे से पकड़ते हुए बोले, संभालो खुद को। प्रिया जी उन्हें हल्का सा धक्का देते हुए बोली, राघव कैसे हो गया ये सब? किसने किया ये? किसने मेरे बच्चों की जान ली? दादा उनके बालों को सहलाते हुए बोले, शांत हो जाओ, मैं ऐसे ही इस बात को जाने नहीं दूंगा। अपने बेटे और बेटी दोनों के कातिलों का पता लगाकर उन्हें मौत से बदतर सजा ना दिलाई तो मेरा नाम राघवेंद्र नहीं। इधर रणविजय जी बैठे एक टक बस अदिति की फोटो को देखे जा रहे थे। तभी रीशु उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, पापा। रणविजय जी ने नजर उठाकर रीशु को देखा और उसे देखते ही उससे लिपटकर रोने लगे। रीशु अपने पापा को संभालते हुए बोली, पापा संभालिए खुद को। रणविजय जी रोते हुए बोले, बेटा ये क्या हो गया? भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? अभी तो तुम मुझे ठीक से मिली भी नहीं थी कि उससे पहले ही भगवान ने अदिति को अपने पास बुला लिया। रीशु अपने पापा को खुद से अलग करके उनके आंसू पोंछते हुए बोली, पापा आप कमजोर नहीं पड़ सकते, हमें अदिति के कातिलों से बदला लेना है। रणविजय जी गुस्से में बोले, इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी के कातिल का पता लगा कर रहूंगा। तभी विनायक दोनों के पास आते हुए बोले, संभालिए खुद को, आप दोनों ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। वाकई में अगर ये किसी की सोची समझी चाल थी और अदिति का मर्डर हुआ है तो हमें सच की तह तक जाना होगा और उसके कातिल का पता लगाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी होगी। तभी एक औरत तेज आवाज में रोने की एक्टिंग करते हुए घर के दरवाजे से अंदर आई। उसकी तेज आवाज सुनकर सबने पलट कर देखा तो वो माया जी थी। उनके पीछे जोया भी चली आ रही थी। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितना रोई है। माया जी रोते हुए त्रियम की फोटो के पास जा पहुंची। इससे पहले वो कुछ करती तभी अचानक से देवी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए त्रियम की फोटो से दूर कर दिया। जोया तो देवी का गुस्सा देखकर कुछ दूरी पर ही रुक गई।
वहां मौजूद सभी लोग देवी के पास आ गए थे। माया अपने नकली आंसू पोंछते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो देवी बेटा? देवी उनकी ओर उंगली करते हुए बोला, अपनी घटिया और गंदी जबान से मुझे बेटा मत कहो। उसके इस तरह बोलने पर रणविजय देवी पर गुस्सा करते हुए बोले, ये क्या हरकत है देवी? देवी ने एक नजर माया को देखा, फिर रणविजय जी से गुस्से में बोला, आपको मेरी हरकतें गलत लग रही हैं। अगर मैंने इनकी हरकतों के बारे में बता दिया ना, तो आप इन्हें और इनकी बेटी को जान से मार देंगे। देवी की बात सुनकर माया जी सकपका, जिनके जज्बे और जुनून के आगे सियाचिन की बर्फ भी पिघल जाती है। आ गई माया जी अपनी हड़बड़ाहट छुपाते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और ऐसी बातें करने का ये कोई वक्त है? माया जी के बोलते ही देवी ने उन्हें घूर कर देखा तो माया जी के कदम अपने आप पीछे हो गए। देवी दादा को देखते हुए बोला, पापा आप इन्हें अपनी बहन मानते थे, लेकिन ये बहन नहीं डायन है। डायन, इसने ही आपके घर के चिराग को खा लिया है। इस बार दादा थोड़े गुस्से में बोले, देवी माना कि तुम्हें अपने भाई के जाने का गम है, पर तुम इस तरह माया से बात नहीं कर सकते। देवी हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बस पापा आपके इसी भरोसे ने मुझे मेरे भाई से दूर कर दिया। थोड़ी चूक मुझसे भी हुई है, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता था मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगा, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। देवी के मुंह से ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर रणविजय जी आगे बढ़ते हुए बोले, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बताओ। देवी दुखी होते हुए बोला, अंकल ये सब जो हो रहा है ये सब इसी औरत के कारण हो रहा है। आपको पता है आंटी की मौत की जिम्मेदार भी यही है, क्योंकि इसी ने उनका मर्डर कराया था। देवी की बात सुनकर सब हैरानी से माया जी को देखने लगे तो माया जी उससे गुस्से में बोली, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है जो तुम बेमतलब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? देवी दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, सबूत चाहिए? सबूत तो ऐसा है मेरे पास कि इस बार आपको कोई नहीं बचा सकता। आपने और आपकी बेटी ने जितने भी कारनामे किए हैं उनके सारे सबूत मेरे पास हैं। इतना बोलकर उसने हॉल में लगी हुई टीवी ऑन कर दी और अपना फोन उससे कनेक्ट करके एक वीडियो प्ले किया। ये वीडियो सगाई वाले दिन का था, जब देवी उसे एक कमरे में ले गया था और जोया नशे की हालत में उसे त्रियम समझकर अपनी और अपनी माँ की सारी साजिशों के बारे में बता रही थी कि कैसे उसकी माँ ने अपने प्यार को पाने के लिए अदिति की माँ और उसकी बहन को मरवाया था। वीडियो देखकर माया और जोया के तो होश ही उड़ गए। तभी प्रिया जी ने आगे बढ़कर माया के चेहरे पर खींच कर एक थप्पड़ जड़ दिया और फिर उनके बाल पकड़ते हुए बोली, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और तुम मेरे ही बेटे को खा गई। विनायक को तो अपनी माँ और बहन की करतूतों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, उसे किसी से भी नजर मिलाने में शर्म आ रही थी। रणविजय जी माया को देखते हुए बोले, तुम्हें तो मैं अपना दोस्त समझता था और तुमने अपने ही दोस्त का घर उजाड़ दिया। माया जी तुरंत बोली, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया रणवी। मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से प्यार करती थी, लेकिन तुम उस माया इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले रणविजय जी बीच में ही बोले, प्यार? प्यार शब्द का मतलब भी जानती हो तुम? ऐसी सेल्फिश औरत किसी से प्यार नहीं कर सकती है। तभी दादा गुस्से में माया की ओर बढ़ते हुए बोले, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देवी उन्हें बीच में ही पकड़ते हुए बोला, नहीं पापा आप कुछ मत करिए, अब जो करेगी पुलिस करेगी। पुलिस का नाम सुनते ही माँ बेटी के पसीने छूटने लगे। तभी उनके कान में पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई पड़ी। सायरन की आवाज़ सुनकर जोया ने कसकर माया का हाथ पकड़ लिया था। जोया चाहे जितनी ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन इस बार वो फंस चुकी थी। देवी दोनों माँ बेटी को देखते हुए बोला, यही सोच रही होगी कि पुलिस कैसे आ गई, मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। मुझे पता था तुम दोनों माँ बेटी यहाँ नौटंकी करने ज़रूर आओगी। तभी पुलिस की एक टीम दरवाजे से अंदर आई। मिनिस्टर को वहाँ खड़ा देख पूरी टीम ने उन्हें सल्यूट किया तो मिनिस्टर ने अपना सिर हिला दिया। एक इंस्पेक्टर आगे बढ़कर सबको देखते हुए बोला, देवी ने मुझे कुछ दिन पहले ही सब कुछ बता दिया था
और हम तब से दोनों माँ बेटी का फोन टैप कर रहे थे। हमारे पास उस दिन की कॉल रिकॉर्डिंग भी है जब सोया अपनी माँ से बात करके अदिति की गाड़ी का ब्रेक फेल करने की प्लानिंग कर रही थी। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। रणविजय की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उनके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने आगे बढ़कर सीधे माया की गर्दन दबोच ली। रणविजय की पकड़ इतनी मजबूत थी कि माया की तो सांसें ही रुकने लगी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसे क्यों मारा? वो तो मासूम थी। ये देखकर देवी, दादा, पुलिस इंस्पेक्टर सब रणविजय जी का हाथ पकड़कर माया को उनकी पकड़ से छुड़ाने लगे, पर वो तो जैसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। बहुत मुश्किल से किसी तरह सभी ने मिलकर माया को उनकी पकड़ से छुड़ाया। गर्दन छूटते ही माया जोर जोर से खांसने लगी। फिर इंस्पेक्टर ने अपने साथ आई हुई लेडी कांस्टेबल को इशारा किया तो उसने आगे बढ़कर माया को हथकड़ी पहना दी। वहीं रीशु रणविजय जी के गले लगकर उन्हें शांत कराने लगी। लेडी कांस्टेबल माया और जोया को हथकड़ी पहनाकर खींचते हुए घर के बाहर की ओर लेकर चली गई। इंस्पेक्टर रणविजय जी के सामने आकर बोला, सर आप अपना ख्याल रखिए, इन दोनों की टेंशन ना लीजिए, इन्हें तो अब उम्र कैद की ही सजा होगी। इतना बोल इंस्पेक्टर उन्हें सल्यूट करके चला गया। उसके जाने के बाद रणविजय दादा के सामने जाकर हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दे राघव, मैंने तेरी दोस्ती पर शक किया, तुझे इतना कुछ भला बुरा कहा, बल्कि तू तो मेरी बेटी को दुश्मनों से बचाने के लिए सब सुनता रहा। दादा उसके हाथ पकड़ते हुए बोले, तुझे मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं रणवी, तू मेरा कल भी दोस्त था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इतना बोलकर दादा आगे बढ़कर रणविजय जी के गले लग गए। वहीं दूसरी तरफ रायपुर के जंगल में किसी के करहाने की आवाज़ आ रही थी। इस वक्त आसमान में बादल होने के कारण घना अंधेरा था। जंगल में लकड़ियां बिन रहे लोगों के कानों में जब आवाज़ सुनाई पड़ी तो सभी उस आवाज़ की ओर बढ़ गए। हमारी कहानी लव द गैंगस्टर डेविल को सुनने और सराहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जाने से पहले मैं आपको एक और ज़बरदस्त कहानी सीक्रेट फौजी के बारे में बताना चाहूँगी जो आप पॉकेट एफएम पर सुन सकते हैं। एक ऐसा फौजी कबीर शेखावत जिसने अपने देश के लिए हर मुश्किल को अपना लिया, हर चुनौती को स्वीकार किया। हर साल हजारों की तादाद में हमारे देश के जवान इंडियन डिफेंस को ज्वाइन करते हैं जिनके जज्बे और जुनून के आगे सियाचिन की बर्फ भी पिघल जाती है और तब तेरे गिस्तान की हवा भी थम जाती है। ऐसे निडर, बेबाक और ताकतवर फौजी भाइयों की बदौलत ही आज हम आम नागरिक अमन की सांस लेते हैं और सुकून भरी जिंदगी जी पा रहे हैं। जहाँ एक आम इंसान मौत से खौफ खाता है, वहीं एक फौजी अपनी शहीदी को हंसकर गले लगा लेता है जैसे शहीदी कोई उसकी माशुका हो। कहते हैं जिस देश की फौज ही बेखौफ हो उसे भला फिर किस बात का डर होगा, लेकिन असल में हम अपने देश की हिफाजत करने वाले वीर सपूतों की जिंदगी के बारे में बहुत कम ही जान पाते हैं कि वो अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों से दूर होकर क्या फील करते हैं। ये कहानी है उन्हीं में से एक की जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, देश की सेवा, जिसका सिर्फ एक ही सपना है, देश के लिए शहीद होना। तो आइए आपको ले चलते हैं ऐसे सफर पर जहां एक मामूली इंसान जिसे एक वक्त में MIB से बाहर निकाल दिया गया, फिर एक दिन वो ऐसा भी आया जब उसे MIB का हेड बना दिया गया। क्या है इस वीर सपूत कबीर शेखावत की कहानी, जानने के लिए सुनिए सीक्रेट फौजी आपके अपने पॉकेट FM पर।